नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जितने भी हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, तो उस केस में उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके अकाउंट्स एनपीए हैं और उनका आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ से ऊपर है, तो यू प्लीज क्लासीफाई वेदर सच अकाउंट्स आर अ फ्रॉड अकाउंट और नॉट। अब फ्रॉड अकाउंट क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि बाय फॉरेंसिक ऑडिट। तो फॉरेंसिक ऑडिट उन अकाउंट्स में होता है जिनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50 करोड़ एंड अबव होता है। आरबीआई ने बैंक्स को कहा आप क्लासीफाई करिए वेदर द अकाउंट इज फ्रॉड और नॉट। इन टर्न बैंक्स नाउ अपॉइंट प्रोफेशनल्स लाइक अस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो हमको कहते हैं कि आप सर इस अकाउंट का फॉरेंसिक ऑडिट करके दीजिए, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन क्लासीफाई वेदर द अकाउंट इज फ्रॉड और नॉट। सो वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले नाउ। रीजन बीइंग, जैसे अभी कोविड का इम्पैक्ट आया सर, कोविड इम्पैक्ट वॉज देयर इन 2021, लास्ट ईयर पूरा कोविड का इम्पैक्ट आया, लेकिन मोरेटोरियम लगा था, आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया था कि आप एनपीए नहीं क्लासीफाई कर सकते, ड्यू टू विच मेनी ऑफ द अकाउंट्स वर नॉट क्लासीफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब क्या इम्पैक्ट है, ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट यू विल सी अ मेजर चंक ऑफ बिग अकाउंट्स बीइंग क्लासीफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द सेकंड क्वार्टर। रीजन बीइंग, मैं आपको रीजन बताता हूँ उसका, मोरेटोरियम जो हमारा था वो था 24th मार्च 2021 तक। तो इफ यू विल सी, अगर कोई भी अकाउंट को एनपीए क्लासीफाई करना है, इट शुड बी ओवरड्यू फॉर ओवर 90 डेज। जैसे अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, ब्रांच ऑडिट करते हैं, तो उसमें द अकाउंट शुड बी ओवरड्यू फॉर ओवर 90 डेज। तो 90 डेज के ओवरड्यू होने के लिए, जैसे अगर 24th मार्च को मोरेटोरियम खत्म हुआ, तो वी एक्सपेक्ट बैंक्स टू गिव सम लीवे टू द बोरोअर्स बाय 30th जून। कि अगर 30th जून तक आपका ओवरड्यू है, तो सिंस 24th मार्च और 30th जून के बीच में देर आर अराउंड 97 डेज आर देर, तो वी एक्सपेक्ट बैंक्स टू गिव सम लीवे ऑफ 1 वीक टू द बोरोअर्स, सो दैट उनका जून की उनकी बैलेंस शीट खराब ना हो। बट सिंस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज सच दैट मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज विल नॉट बी एबल टू रिकवर, बिकॉज आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ बैंक्स। वो कहते हैं कि साहब किसी ने मोरेटोरियम, बड़ी बड़ी कंपनीज ने मोरेटोरियम लिया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने रिलैक्सेशन मांगी है बैंक से कि साहब हम इंटरेस्ट नहीं सर्व कर पा रहे, यू प्लीज गिव अस सम रिलैक्सेशन और यू रीस्ट्रक्चर आ रखा हूं। तो उस केस में क्या हुआ है, वी एक्सपेक्ट एज अ ऑन डिस्कशन विद द बैंक्स, ऑन डिस्कशन विद वेरियस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी एक्सपेक्ट अ मेजर चंक ऑफ अकाउंट्स टू बी क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ सितंबर। तो जैसे ही अकाउंट क्लासिफाई होंगे एनपीए से, एनपी होंगे, तो आपका एक तो फॉरेंसिक ऑडिट का काम बहुत बढ़ेगा सर, अभी भी है काम, लेकिन क्या है, सितंबर क्वार्टर में एक तो फॉरेंसिक ऑडिट का आपका काम बढ़ेगा, एक आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का काम बहुत बढ़ेगा। तो इफ एनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू एंटर इन टू अ न्यू फील्ड, एन अपकमिंग फील्ड, यू शुड एंटर इन टू द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट और द इन्वेस्टिगेशन ऑडिट। थर्ड इज वैल्यूएशंस। अब रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कारों में अब रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए फॉर अंडरटेकिंग एनी वैल्यूएशन। सिमिलर कॉन्सेप्ट हैज बीन अंडरटेकन बाय द बैंक्स कि अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, देन यू कैन अंडरटेक वैल्यूएशन फॉर देयर रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स। जैसे टीवी स्टडी होती है, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी होती है, रिस्ट्रक्चरिंग में वो वैल्यूएशन कराते हैं, इंसॉल्वेंसी में वैल्यूएशन होती है। तो वैल्यूएशन इज अ वेरी अपकमिंग फील्ड। तो ये तीनों फील्ड जो है, इंसॉल्वेंसी, फॉरेंसिक ऑडिट एंड वैल्यूएशन, दीज आर आई गेस सम वे और द अदर इंटर रिलेटेड। तो आप इन तीनों में से कोई सी भी नई फील्ड पकड़ लीजिए, एंड इट इज अ वेरी रेम्युनरेटिव फील्ड, लेट मी टेल यू, क्योंकि अभी इतने लोग, इतनी एक्सपर्टीज नहीं है लोगों के पास। आईपीस है, फॉरेंसिक ऑडिट्स है। जैसे फॉरेंसिक ऑडिट का मैं आपको बताऊं, 2016 में इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उन्होंने सबसे पहले पैनल करा था 39 फर्म्स ऑल ओवर इंडिया, सो माय फर्म वाज वन ऑफ देम। तो ऑल ओवर इंडिया ओनली 39 फर्म्स वर एलिजिबल टू अंडरटेक सच फॉरेंसिक ऑडिट। नाउ दे हैव एक्सटेंडेड दैट लिस्ट टू अराउंड 250 टू 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट स्टिल दैट इज अ वेरी लेस नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज कंपेयर टू द वर्क दैट इज बीइंग अलॉटेड बाय द बैंक्स। तो अगर आपको नई फील्ड में एंटर करना है, फॉरेंसिक ऑडिट इज अ वेरी वेरी गुड फील्ड। अभी अब मैं आपको फॉरेंसिक ऑडिट का बताऊंगा, यू विल से यार ये तो हम भी कर सकते हैं, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। आप कहेंगे जब आपने कल कारो पढ़ा, अब आप कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे मोटा मोटा, वो आप 50-60% यू कैन से दैट इज अ टाइप ऑफ अ फॉरेंसिक ऑडिट ओनली। तो नाउ वी विल कम टू द टॉपिक ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। आई हैव टोल्ड यू व्हाई फॉरेंसिक ऑडिट। नाउ फॉरेंसिक ऑडिट में हम करते क्या है सर, हमारा मेन फोकस इसमें रहता है टू चेक वेदर द अकाउंट इज फ्रॉड और नॉट। Our main focus is to identify whether the account should be classified as a fraud or not. अब fraud क्या होता है? What is fraud? ये एक definition है ये। मैं आपको पहले definition पढ़ देता हूँ। उसके बाद I'll tell you in a very easy language. Fraud is an unlawful and intentional making of misrepresentation with an intent to deceive or defraud by causing actual or potential prejudice. इसमें कहता है ये हमको what is fraud? Fraud is an unlawful and intentional making. मैं आपको easy language में बताऊँ what is fraud? फ्रॉड अगर हिंदी लैंग्वेज में बताऊं, फ्रॉड इज जानबूझ के धोखा देना, इंटेंशनल एक्ट। आप इतना याद रखिए, यू विल इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट और नॉट। प्रूविंग द इंटेंट इज द की।
आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे ही आप अकाउंट को फ्रॉड क्लासिफाई करते हैं उस केस में वो अकाउंट बैंक्स जो है वो सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ को रेफर करता है कि भी ये अकाउंट फ्रॉड हुआ है, प्लीज फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट द बोरो। जब भी आप किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं, देयर प्राइमरी एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड कि वेदर इट इज एन इंटेंशनल मिस्टेक और एन अनइंटेंशनल मिस्टेक। इफ इट इज एन अनइंटेंशनल मिस्टेक देन इन एनी केस द अकाउंट कैनॉट बी क्लासिफाइड एज अ फ्रॉड। व्हाट डू यू मीन बाय अनइंटेंशनल मिस्टेक या अनइंटेंशनल लॉस? Unintentional loss is like due to government guidelines, due to policies of government, because it is not in the hands of the borrower. So that is called an unintentional loss. Intentional loss is जानबूझ के उसने धोखा दिया। अब question आता है, how as an alter you will be able to identify whether it is an intentional mistake or an unintentional mistake of the borrower? अब हम borrower के दिमाग में तो सर घुस नहीं सकते, because we as a chartered accountant we cannot read the mind of the borrowers. उस case में then comes the scope, your professional judgment. What is your professional experience? How do you read the balance sheet? That comes into play. Abhi main aapko forensic audit ka jab scope bataunga, then you will come to know ki whether it is an intentional mistake or an unintentional mistake. There are 14-15 points. We'll discuss each and every point, point by point. To aapko usse idea lag jayega ki whether it was an intentional or an unintentional mistake. So again, I will repeat, proving the intent is the key. Jaise abhi maine dekhi hai. It is a highlight. आपको बाकी तो definitions है, it is given in companies act, it is given in insolvency, it is given under various act, definition of fraud. But अगर आपको easy language में कुछ समझना है, fraud is an intentional mistake. Proving the intent is the key. Once you are able to prove that he has done this intentionally, then the onus shifts on the borrower to prove नहीं ये मेरी intentional नहीं unintentional mistake थी. अब question आता है कि how to prove the intention. I'll give you a very good example of that. अब फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में ना, जब मैं आपसे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करूंगा, आई विल शेयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विद यू जो हमने प्रैक्टिकली हैंडल करे। वी वर डूइंग अ फॉरेंसिक ऑडिट फॉर अ राइस इंडस्ट्री, एक राइस इंडस्ट्री का हम फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे थे सर। हमने उससे ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे। जब हमने उससे ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे, ऑन वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स वी ऑब्जर्व्ड जो ट्रांसपोर्टेशन की स्लिप्स होती है जिसमें ट्रक का नंबर डला होता है, जब हमने देखा उसको कंपेयर करा, वी ऑब्जर्व्ड दैट अ सिंगल ट्रक, एक ट्रक था जिसका एक नंबर था, सपोज 1234 था। अ सिंगल ट्रक मेड 100 ट्रिप्स फ्रॉम दिल्ली टू लेट्स से बॉम्बे इन वन डे, 100 ट्रिप्स। बट दिल्ली टू बॉम्बे लंबा होगा, मैं कह रहा हूं मुंबई टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा उसने 100 ट्रिप्स मारे इन वन डे अ सिंगल ट्रक। अब वो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा? जब आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन स्लिप्स देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, यू विल प्रिपेयर अ समरी ऑफ द ट्रक्स दैट हैव बीन ट्रैवल्ड ड्यूरिंग अ डे। तो जब हमने एक दिन में देखा कि एक ट्रक ने, सपोज डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, वन ट्रक मेड 100 ट्रिप्स इन अ डे ऑफ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। हमने और उसके ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स देखे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स में आया देवर मोटरसाइकिल, जैसे आपने ये पीछे बिहार में एक स्कैम हुआ था सर, फोर्डर स्कैम था, उसके अंदर क्या था सर, उन्होंने दिखाया था कि टू व्हीलर्स पे, साइकिल पे, रिक्शा पे 100-100 किलो का सामान जा रहा था, 200-200 किलो का सामान जा रहा था। तो वही सिनेरियो हमारे सामने आया जब हमने उस कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट करा, वी ऑब्जर्व्ड दे वर शोइंग 200-300 केजीज ऑफ राइस बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ बाइसिकल, थ्रू अ टेम्पो। तो उस केस में वी आइडेंटिफाइड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट सच अमाउंट ऑफ, सच क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय दैट ट्रक, बाय दैट व्हीकल। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उस केस में क्या हुआ, we have proved our point that this is an intentional thing. isne janbujh ke fake transportation documents banaye hai to show that 100 trips are being made with a distance of 100 kilometers by a single truck in a day. it is impossible. in that case you have proved your point that it is an intentional act whereby he has prepared forged transportation documents just to overstate his sales and purchases. wahan pe usne apni sales and purchases overstate kari hai. secondly agar wo kehta ji maine 300 kilo 500 kilo apni मोटरसाइकिल पे ट्रांसपोर्ट करा, दैट इज इम्पॉसिबल। हियर बाय यू हैव प्रूव्ड दैट इट इज एन इंटेंशनल थिंग, उसने इंटेंशनली उस चीज को दिखाया कि इंटेंशनली ही हैज ओवरस्टेटेड हिज सेल्स एंड परचेजेस। इन दैट केस दैट इज एन वेरी गुड एग्जांपल वेयर बाय ही हैज मेड एन इंटेंशनल थिंग, ही हैज ट्राइड टू डिसीव द बोरोर्स बाय ओवरस्टेटिंग हिज सेल्स एंड परचेजेस। तो मेन इंटेंट इन फॉरेंसिक ऑडिट इज प्रूविंग द इंटेंट इज द की। यू हैव टू प्रूव दैट व्हाटएवर एक्ट ही हैज डन इज एन इंटेंशनल एक्ट। इसका बेस्ट तरीका है यू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ द बोरोअर। आप अपने आप को बिजनेसमैन के शूज में डाल दीजिए एंड यू सी इफ यू वर दैट बिजनेसमैन, आप वेदर ये एक्ट आप करते या नहीं करते, व्हाट वुड यू हैव डन हैड यू बीन इन द शूज ऑफ द बोरोअर।
अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते तो आप एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते जिसमें ट्रक नंबर सही होता, जिसके अंदर एक ट्रक 100 किलोमीटर का मेरे ख्याल से दिन में एक ट्रिप मार सकता है, सिर्फ उसने 100 ट्रिप्स मारे थे। तो अल्टीमेटली प्रूविंग द इंटेंट इज द की, व्हाट वाज द इंटेंशन। जैसे मैं आपको कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन दिखाता हूं यहाँ पे, ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 447, फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी एनी एक्ट ऑफ ऑमिशन बाय एनी पर्सन विद एन इंटेंट टू डिसीव। सर मेन इसमें हमारा आता है विद एन इंटेंट टू डिसीव अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, जैसे आपको कल ध्यान होगा मैंने सोलर वाले का एग्जाम्पल डिस्कस करा था, जिसमें उसने 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाई थी एट फॉर इलेक्ट्रिसिटी रेट ऑफ 18 रुपीज पर यूनिट, लेकिन जब उसकी फैक्ट्री लग गई गवर्नमेंट ने वो पर यूनिट रेट घटा के 50 पैसा 1 रुपए कर दिया। इन दैट केस इट वॉज अ जेन्युइन बिजनेस लॉस। सो अगर मैं उसका उस कंपनी का फॉरेंसिक कर रहा हूँ, आई विल नेवर इन एनी केस राइट दैट इट वॉज एन इंटेंशनल मिस्टेक, आई विल से इट वॉज ए अनइंटेंशनल जेन्युइन बिजनेस लॉस वहां पे। बल्कि हमारी बैंक से भी डिस्कशन हुई, बैंक ने हमको कहा कि हमारी रिकवरी नहीं हो रही, आप इसको फ्रॉड क्लासीफाई करें, बट वी रिफ्यूज। वी टोल्ड देम कि सिंस इट द लॉस कॉज बाय द कंपनीज ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ड्यू टू द चेंज इन रिडक्शन इन द सोलर द पर यूनिट रेट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी, दैट वॉज द रीजन दैट द कंपनी हैड टू बियर अ लॉस ऑफ 1000 करोड़। अगर आपने कल का अगर आपको एग्जाम्पल मेरा ध्यान होगा सोलर वाला, तो एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाकी क्या स्कोप है, क्या चीजें हैं, क्या आपको गाइडलाइंस यूज करनी है, आरबीआई सर्कुलर है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी फॉरेंसिक ऑडिट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट वॉज एन इंटेंशनल और एन अनइंटेंशनल मिस्टेक और अनइंटेंशनल और इंटेंशनल लॉस। Once you are able to identify, then only you will be able to classify the account as fraud. क्योंकि हमारे fraud में main चीज ये होती है, forensic audit में main चीज है whether the account is a fraud account or not. If it is a fraud account, then the banks are going to file a case against the company in CBI, in EOW, ED, SFIO में जाएगा केस। अगर वो fraud account नहीं होता, then the banks will just try to recover their money through SARFAESI, through DRT or whatever the case may be. I hope this definition of fraud and all those things are clear. अब आता है fraud triangle. फ्रॉड ट्रायंगल क्या होता है सर? अब आपने जिसने FAFD का कोर्स करा होगा वहां पे आपने पढ़ा होगा फ्रॉड ट्रायंगल। कहीं भी अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड करती है, देयर कैन बी 3 reasons फॉर दैट। इसमें से कोई सा भी रीजन हो सकता है, आइदर अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन और रैशनलाइजेशन। आप कोई भी फ्रॉड देखेंगे उसमें ये 3 में से कोई ना कोई एक चीज जरूर होगी। सर आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अपॉर्चुनिटी है, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी? जैसे सर सत्यम का स्कैम हुआ था जो मिस्टर राजू ने करा था, सत्यम वाला, why was he able to undertake that scam? He was able to undertake that scam since he had the opportunity to undertake that scam. Reason being, he was at the top management. Opportunity means you are at the power to undertake that scam. You are at the power to take those decisions. Opportunity means you have the decision-making power. So Satyam wala scam will fall under the category of opportunity. Reason being, he was the decision maker. He had the opportunity to undertake that fraud. Motivation. मोटिवेशन क्या था? मैं जैसे सपोज किंगफिशर का एग्जांपल दूं, ही वांटेड टू, मिस्टर माल्या वांटेड टू परचेज अ नंबर ऑफ कार्स, ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन क्रिकेट टीम्स, ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन फॉर्मूला। सो ही हैड अ मोटिवेशन कि भी मैं, मेरे को पैसा कमाना है, या आई वांट टू इन्वेस्ट इन वेरियस एवेन्यूज, ड्यू टू व्हिच ही हैज इन्वेस्टेड इन अ नंबर ऑफ बिजनेसेस। मोटिवेशन मींस आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल। रैशनलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइजेशन? सपोज मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरा एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वी आर डूइंग द सेम वर्क, बट माई कोलीग इज अर्निंग 1 lakh rupees पर मंथ एंड आई एम अर्निंग 50,000 rupees पर मंथ। सो मेरे अंदर क्या फीलिंग आएगी? सिंस वी बोथ आर डूइंग सेम वर्क, तो इट इज माई प्रेरोगेटिव, मेरा राइट है 50,000 और अर्न करना, वेदर इट इज बाय द राइट वे और द रॉन्ग वे। सो वॉट इज हैपनिंग, आई एम ट्राइंग टू रैशनलाइज द थिंग, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई द थिंग दैट इट इज माई राइट टू अर्न 50,000 मोर। तो आप कोई भी फ्रॉड देखेंगे, जैसे पीएमसी बैंक का फ्रॉड क्यों हुआ? इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। पीएमसी बैंक का आईएलएनएफएस अपॉर्चुनिटी। आप कोई भी बड़ा सा बड़ा फ्रॉड देखेंगे, अगर वो टॉप मैनेजमेंट ने करा है, दैट इज ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव बिकॉज़ दे वर द डिसीजन मेकर्स। कोई भी छोटा है, कोई भी एम्प्लॉई ने, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, नीरव मोदी वाला स्कैम, वो स्कैम किसने करा था? वो करा था पीएनबी बैंक के एक ऑफिशियल ने। वो कैसे करा उसने? बिकॉज ही हैड अ मोटिवेशन टू अर्न मनी, ही हैड द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ही हैड द आईडीज एंड पासवर्ड्स ऑफ The maker and checker concept उसमें फेल हो गया था सर, पीएनबी जो नीरव मोदी का स्कैम हुआ था। तो ही हैड द मोटिवेशन, ही हैड द अपॉर्चुनिटी। सो वॉट एवर द फ्रॉड यू कैन थिंक ऑफ, वॉट एवर बैंकिंग फ्रॉड यू कैन थिंक ऑफ, इट विल फॉल अंडर एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। आइदर इट विल बी अपॉर्चुनिटी एज टॉप मैनेजमेंट,
मोटिवेशन टू अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल एंड रैशनलाइजेशन ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट आई शुड अर्न मोर एज कम्पेयर टू व्हाट आई एम अर्निंग नाउ. तो कोई भी फ्रॉड होगा इन तीन चीजों में फॉल जरूर करेगा. बाकी सारी चीजें सेम है. नाउ वील डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिफोर कमिंग टू द स्कोप ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. वील डिस्कस द स्कोप इन डिटेल. बिफोर कमिंग टू फॉरेंसिक ऑडिट वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल स्टैट ऑडिट एंड डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेंसिक ऑडिट. सर जो हमारा नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है दैट इवेंट्स ट्रांसपायर्स प्रायर टू इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी हमारी फाइनेंशियल अगर हम सपोज मार्च 21 में बैठे हैं सर तो मार्च 21 का स्टैट्यूटरी ऑडिट हम करेंगे अब उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होंगी. फॉरेंसिक ऑडिट इज ऑलवेज डन फॉर प्रायर पीरियड्स. उसमें क्या होता है उसमें बैंक्स डिसाइड द पीरियड ऑफ ऑडिट. इट कैन बी 3 years 4 years 5 years और 10 years व्हाटएवर द केस में बी. अराउंड मंथ्स बैक वी वर अलॉटेड एन ऑडिट बाय यूनियन बैंक फॉर 20 years. वी ऑडिटेड फ्रॉम 1st अप्रैल 2000 से लेकर आज तक हमने उसमें ऑडिट करा 21 साल से. सो द पीरियड फॉरेंसिक ऑडिट इज ऑलवेज डन फॉर प्रायर पीरियड. रीजन बीइंग अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाता है उसके बाद बैंक्स अलॉट द फॉरेंसिक ऑडिट. तो फॉरेंसिक ऑडिट इज ऑलवेज फॉर प्रायर पीरियड. The scope and the number of years to be audited is decided by the appointing authority. It can be 4 years, 5 years, 10 years, whatever the case may be. जब भी हम forensic audit करते हैं, we are not a watchdog, we are a bloodhound. We have to undertake, we have to go into the depth, we have to check each and every transaction. But in statutory audit, we are a watchdog, not a bloodhound. But अब जितने changes कारों वगैरह में हो रहे हैं, I guess we are moving towards a type of forensic audit only. But currently In statutory audit, we do it on a sampling basis. मतलब जब भी हम कोई audit करते हैं, normal stat audit करते हैं, हमारे पास एक तो time नहीं होता सर, हम last में जाके उसको audit को करते हैं. So that is a type of a watchdog. We are doing it on a sampling basis. But in case of forensic audit, you cannot take that plea. अगर आपसे कोई भी point miss हो गया, which is a material point, you can be questioned by the government agencies and the appointing authority why you were not able to identify such discrepancies. तो forensic audit में इवन दो आप कुछ लेवल तक सैंपल कर सकते हैं लेकिन सैंपलिंग वोंट सेव यू इफ मेजर डिस्क्रिपेंसीज आर ऑब्जर्व. तो फॉरेंसिक ऑडिट में आपको 100% एक एक ट्रांजेक्शन से चेक करनी पड़ेगी. फॉरेंसिक ऑडिट करते हुए देर इज एन अजम्पशन दैट अ फ्रॉड माइट हैव टेकन प्लेस. जब आप फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं तो ऑलरेडी कंपनी लॉसेज बुक कर चुकी होती है, उसके डेटर्स रिकवरेबल नहीं होते, स्टॉक राइट ऑफ कर चुका होता है, फिक्स्ड एसेट्स की रिकवरी नहीं होती. तो उस केस में क्या होता है, सिंस द बैंक हैव ऑलरेडी इनकर्ड लॉसेज, यू हैव अ माइंडसेट that already some fraud has taken place. What do you mean by some fraud? Means company कोई ना कोई पैसा जरूर निकाल के रखे है, इसलिए कंपनी बैंक का पैसा नहीं दे रही. Statutory audit में we have an assumption that everything is fine, no fraud has undertaken place. While we are doing the statutory audit, we are of the view that everything is good and fine in the company and no fraud is there. But forensic audit में we have a pre-decided mindset that इस कंपनी में कुछ ना कुछ fraud जरूर हुआ होगा, तभी ये बैंक का पैसा नहीं दे. Forensic audit is undertaken for reaching a legal decision. We want to legally decide whether it is a fraud or not. Whereby statutory audit is for a reader of financial statement. We want to assist ki what is the status of the company, whether it is profitable or not. So doing a forensic audit is to help the reader to identify whether genuine business transactions are being undertaken or not, or whether profit is being earned or not. But in case of forensic audit, our main aim is to reach a legal decision, whether the account, whether it is a genuine business loss or any fraudulent activities have been undertaken. Forensic audit में we want to decide who has undertaken the fraud. मतलब our main aim in forensic audit is to decide who was the person who has undertaken such fraudulent activity. In statutory audit, we want to decide whether the directors are working properly or not, whether they are running the company properly or not. So this is a basic difference between forensic audit. अगर simple language में आपको कहूँ, forensic audit you have to undertake audit for previous years. There is no concept of sampling in forensic audit. You have to check whatever transactions you can check. In normal statutory audit, you can take a plea that we have done it on a sampling basis. Again, the court, in statutory audit, you are a watchdog, but in forensic audit, you have to become a bloodhound. You have to go to whatever level you have to go and check that. I'll give, when we'll come to scope, now we are coming to just the scope, then we'll discuss that thing. तो ये अभी हमने डिस्कस करा फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, क्या नहीं है, कैसे आप फॉरेंसिक ऑडिट कर सकते हैं. एक छोटी सी चीज है कि फॉरेंसिक ऑडिट आप ले कैसे, हाउ डू यू अप्रोच द बैंक्स टू टेक द फॉरेंसिक ऑडिट, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आप सारे लास्ट तक मेरे साथ रुके, थोड़ा आपको पता लगे फॉरेंसिक ऑडिट हम कैसे लेंगे बैंक से. अब हम आते हैं स्कोप ऑफ वर्क पे सर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसमें हम देखेंगे हमारे 12-13 पॉइंट्स है, उसके बाद मैंने इंसॉल्वेंसी का भी स्कोप डाला हुआ. अगर लास्ट में टाइम बचेगा विल डिस्कस अबाउट इंसॉल्वेंसी स्कोप ऑफ वर्क एज वेल, जो आरपी हमको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देता है.
बट अभी हम सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट का जो बैंक हमको लौट करते हैं, जो जो हमारा आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे सर। अब पॉइंट आता है स्कोप ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। सर जनरली बैंक हमको स्कोप देता है, दे वॉन्ट अस टू चेक अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई फॉरेंसिक ऑडिट करें आपको सबसे पहले नेचर ऑफ इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री यू आर ऑडिटिंग, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट इज अ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, इट इज एन आईटी इंडस्ट्री, इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। ये बहुत जरूरी है, जब भी आप फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करें आपको सबसे पहले एक तो उसकी बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करना है। आई हैव सीन मेनी टाइम्स लोग फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर देते हैं, दे डू नॉट रीड इवन द बैलेंस शीट प्रॉपरली। आप बैलेंस शीट का एक एक आइटम अगर आप स्टडी करेंगे, नो आई हैव डन मोर देन 100 and 150 फॉरेंसिक ऑडिट्स, तो मैं अकॉर्डिंग टू मी जब मैं बैलेंस शीट देखता हूँ तो आई कैन टेल कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर बीइंग अंडरटेकन। वो आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा जब आप कोई भी ऑडिट करेंगे, ये भी वेदर जो डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं, अगर आप रेशियोज निकालेंगे यू विल कैलकुलेट द परसेंटेजेस इन कंपैरिजन टू सेल्स एक्सपेंसेस, आपको पता लग जाएगा वेदर जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर बीइंग अंडरटेकन। आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक कंपनी आई फॉर कंसल्टेंसी पर्पसेस, उसने कहा कि साहब हम ना पैडी से राइस बनाते हैं, तो नाउ प्लीज आप हमारी बैंक से लोन लेने में मदद करिए। सो दे वर शोइंग अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 700 करोड़ इन देयर बैलेंस शीट, दे अप्रोच मी टू गेट एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स। तो जब मैंने उनकी बैलेंस शीट उन्होंने मेरे को दी, मैंने उनसे पूछा सर आप क्या काम करते हैं, वो कहते हैं सर हम पैडी से राइस बनाते हैं और उस राइस को हम आगे बेचते हैं। तो उसने सारी कंजम्पशन परचेज मूवमेंट ऑफ गुड्स सब दिखाया हुआ है, सारी चीजें दिखाई हुई है। When I verified their balance sheet, मैंने उसमें देखा कि मार्च 19 में they had a sale of 580 crores and they had a power and fuel expenses of around 5 crore rupees for an example. Next year जब उनकी सेल देखी, उनकी सेल हो गई थी 980 crores. उनका power and fuel expenses reduced from 5 crores to 2 crores. 5 crore से 2 crore रुपए हो गया power and fuel. So, मैंने उसके और बैलेंस शीट में उससे कुछ भी नहीं पूछा मैंने कि भी आपकी क्या लोन है, क्या बैंक स्टेटमेंट है, क्या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है। आई आस्क्ड हिम सर वेदर यू आर अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और ट्रेडिंग एक्टिविटीज, प्लीज कंफर्म मी। ही वाज ऑफ द व्यू सर नहीं सर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आई आस्क्ड हिम अ सिंपल क्वेश्चन, सर जब आपकी 580 करोड़ की सेल थी आपके पावर एंड फ्यूल थे 5 करोड़ रुपए, पावर एंड फ्यूल इज अ वेरी स्मॉल एक्सपेंस इन योर अदर एक्सपेंसिज वो आता है, और जब आपकी सेल हुई 980 करोड़ यू आर शोइंग एन एक्सपेंस ऑफ 2 करोड़। I told him clearly, sir, आप मेरे को clearly बताइए, you are according to me, you are only undertaking trading activities and nothing else. आपका manufacturing is 10 or 20%, rest 80% is just trading sales. Just to overstate your sales, you are showing such activities. 10 मिनट बाद वो बहस करने के बाद में से वो ही agreed कि भी हाँ सर हम trading कर रहे हैं। तो एज अ ऑडिटर एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, आपको कोई टेक्निकल कोई एक्सेल या कोई Benford's law या कोई that are useful, but first and foremost is understanding the balance sheet. आपको छोटी छोटी चीजें पकड़नी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको electricity expense का बताया, कुछ cases में आता है freight and cartage का expense होता है। एक कंपनी कहती है सर हम काफी ज्यादा मूवमेंट करते हैं गुड्स की, जब आप उसको freight and cartage से कंपेयर करते हैं वो एक्सपेंस घट रहा होता है और सेल बढ़ रही होती है। मतलब इन दिस टाइम्स इन इन्फ्लेशन टाइम्स हाउ इज इट पॉसिबल दैट आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट रही है और सेल्स बढ़ रही है व्हेन यू आर सेइंग दैट यू हैव सो मेनी सेल्स। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गया, फ्रेट एंड कार्टेज हो गया, पैकेजिंग एक्सपेंस हो गया, यू शुड कंपेयर दीज आइटम्स विद द बिगर आइटम्स, देन ओनली यू विल कम टू नो वेदर द कंपनी इज एक्चुअली मेकिंग सेल्स और नॉट। ये कॉन्सेप्ट आप अपनी स्टैट ऑडिट में भी यूज कर सकते हैं। आप कोई जैसे ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वी वर डूइंग अ फॉरेंसिक ऑडिट फॉर अ वेरी बिग कंपनी। As per the sanction letter, in the sanction letter, it was mentioned that this limit is only provided against the manufacturing activity for only undertaking manufacturing activity, and the debtors for the purpose of stock statement, for the purpose of calculation of drawing power, will only be allowed against the manufacturing debtors. But when we, उसमें क्या हुआ? उसने अपने manufacturing दिखाने के लिए he was showing excise duty. उसने excise duty दिखाई हुई थी अपनी balance sheet में. When we compared the data of excise duty with the returns filed by him with the data of excise records, we observed that he was showing fake excise duty in his balance sheet. He was not actually paying any excise duty. Since he was not paying any actually excise duty, this means he was undertaking only trading activities and not manufacturing. जैसा आपको पता है, manufacturing में आपको excise duty देनी पड़ती है। तो इसीलिए whenever you are comparing any balance sheet or reading any balance sheet, it is your prerogative. You should first of all understand each and every expense. अगर किसी अब इफ सम इज सम फैक्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव एक्सपेंस,
जैसे जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, यू शुड कंपेयर द लेबर एक्सपेंसेस विद सेल्स, यू शुड कंपेयर द पावर एंड फ्यूल विद सेल्स. ये छोटी छोटी चीज अगर आप इनकी रेशो कैलकुलेट करेंगे, यू विल कम टू नो वेदर इन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन ऑर नॉट. देन यू कैन आइडेंटिफाई, देन वंस यू हैव एन जैसे मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी कि भैया ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, ट्रेडिंग कर रही है, तो वो कोई भी रिकॉर्ड, फर्जी रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस कर देता, मैं कुछ ना कुछ ना कुछ गलती जरूर निकाल देता. तो अब हम आते हैं हमारे, जैसे मैंने आपको आई वाज जस्ट टेलिंग अ ब्रीफ स्कोप, अब हम स्कोप पे आते हैं. व्हाट इज द स्कोप? पहला पॉइंट है सर, ट्रेसिंग द सोर्स एंड जेन्युइननेस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय प्रमोटर बाय एनालाइजिंग इक्विटी डेट. सर जब भी हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, बैंक हमसे पूछता है कि सपोज अगर मैंने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, देन बैंक्स आस्क अस कि फॉर अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ 100 करोड़ योर नेटवर्थ शुड बी 25 करोड़. जैसे 75-25 की जनरली रेशो रहती है कि फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ 100 करोड़ बैंक्स विल फंड अस 75 करोड़ एंड वी हैव टू अप्लाई 25 करोड़ फ्रॉम आवर एंड. हमको 25 करोड़ अपने एंड से लगाने पड़ेंगे. उस केस में क्या होता है, जो 25 करोड़ आप लगाएंगे, इट शुड बी अ जेन्युइन, इट शुड बी योर जेन्युइन कंट्रीब्यूशन, मतलब इट शुड बी फ्रॉम योर पॉकेट. अब क्या चीज है, आपने देखा होगा काफी क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे फॉर द पर्पज ऑफ नेटवर्थ सर्टिफिकेट, फॉर द पर्पज ऑफ साइनिंग ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन. इफ यू, अगर आपके किसी क्लाइंट्स के पास लोन होगा, वो आपके पास नेटवर्थ सर्टिफिकेट और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आते होंगे. सर प्लीज नेवर साइन दैट सर्टिफिकेट अनलेस एंड अंटिल यू हैव चेक्ड ईच एंड एवरी एंट्री. अब ईच एंड एवरी एंट्री का क्या मतलब है, आई विल टेल यू, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपकी कंपनी है कंपनी ए, उसके डायरेक्टर्स हैं बी एंड सी, ठीक है सर. अब क्या है, बी एंड सी को कंपनी में इंट्रोड्यूस करने हैं 25 करोड़ रुपए. सपोज 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है कंपनी ए ने, बी एंड सी को 25 करोड़ रुपए इंट्रोड्यूस करने हैं कंपनी में. अब क्या होता है सर, 100% केसेस में पैसा कंपनी में आता ही आता है. 25 करोड़ रुपए कंपनी ए में बैंक में ट्रांजेक्शन में मार्क करके आएगा ही आएगा. वो आप जब भी आपका कोई क्लाइंट आएगा सर्टिफिकेट के साथ, वो बैंक स्टेटमेंट पीछे लेके आएगा कि ये देखिए जी कंपनी में 25 करोड़ रुपए आया ही आया. योर वर्क डज नॉट स्टॉप हियर सर, आपका काम है टू चेक करना कि 25 करोड़ कहां से आया, ठीक है. आपको उसने सपोज आपके क्लाइंट ने अपनी प्रमोटर की बैंक स्टेटमेंट भी आपको दे दी, मतलब बी एंड सी की बैंक स्टेटमेंट दे दी, ये देखिए सर 25 करोड़ में से 15 करोड़ जो ए में आया है, जो बी में आया है, सपोज हम बी को ही लेते हैं, सी को छोड़ देते हैं, बी में जो 25 करोड़ रुपए आया है वो आया है उसकी वाइफ से. वो कहता है ये देखिए सर मेरी बैंक स्टेटमेंट 25 करोड़ आया मेरी वाइफ से. अब क्वेश्चन आता है, हमको किस लेवल तक बैंक स्टेटमेंट मांगनी पड़ेगी, किस स्टेज तक? सर जब तक आपकी अनरिलेटेड पार्टी ना आ जाए, आपको तब तक बैंक स्टेटमेंट मांगनी है प्रमोटर से टू चेक वेदर द कंट्रीब्यूशन इज जेन्युइन और नॉट. जैसे मैंने आपको कहा कंपनी ए में पैसा आया बी से, बी बीइंग द प्रमोटर, बी में पैसा आया उसकी वाइफ से, यू हैव टू आस्क द प्रमोटर टू प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज वाइफ. उसकी वाइफ में आया उसकी बेटी से, आपको उसकी बेटी की बैंक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी. उसकी बेटी से आया उसके भाई में, भाई से आया, आपको उसके भाई की बैंक स्टेटमेंट. टिल यू फाइंड एन अनरिलेटेड पार्टी, यू हैव टू कंटिन्यूइंग आस्क द बैंक स्टेटमेंट ऑफ दैट रिलेटेड पार्टी. जब तक आपकी अनरिलेटेड पार्टी ना आ जाए, आप रिलेटेड पार्टी की स्टेटमेंट मांगेंगे और उसमें सोर्स जेन्युइननेस चेक करेंगे कि वेदर द कॉन्ट्रीब्यूशन इज जेन्युइन और नॉट. हमने एक केस करा, हमने बैंक का एक केस करा जिसमें द कंपनी वॉज डीलिंग इन टू ज्वेलरी बिजनेस. वॉट वी ऑब्जर्व, कंपनी ए है और उसका एक प्रमोटर सपोज बी है. वी ऑब्जर्व दैट कंपनी ए वॉज मेकिंग पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर. कंपनी ए ने अपने सी क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर ने पैसा दिया ए को और ए ने वो वापिस पैसा ले आया कंपनी ए में, सी ने पैसा दिया बी को और बी वापिस ले आया कंपनी ए में. नाउ वेदर दैट इज अ जेन्युइन प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉट, आप हमने चैट बॉक्स में लिखिए. आई विल गिव यू, आई विल एक्सप्लेन द एग्जांपल अगेन. कंपनी ए है, कंपनी ए ने पैसा दिया क्रेडिटर को अपने, सी क्रेडिटर इज सी, 25 करोड़ रुपए दिया. सी ने वो पैसा दिया कंपनी, सी ने पैसा दिया वो बी को प्रमोटर को, और बी वो पैसा कंपनी ए में इंट्रोड्यूस कर देता है एज प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. अब येस और नो में लिखिए चैट बॉक्स में कि वेदर द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट और नॉट. नो नो, ठीक सर, इस केस में इट इज नॉट अ जेन्युइन कॉन्ट्रीब्यूशन सिंस द प्रमोटर हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड फंड्स फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज. इट दिस इज जस्ट अ राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स, ये सिर्फ राउंड ट्रिपिंग हो रही है वेयर बाय फंड्स फ्रॉम कंपनी ए से निकले सी में, सी से निकले बी में, बी से वापस ए में आ गए. कंपनी में तो नया पैसा आया ही नहीं सर,
क्योंकि कंपनी जो प्रमोटर बी ने अपनी ओन सोर्स से पैसा नहीं लगाया, तो आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट साइन करते हैं, प्लीज डू नॉट साइन दैट सर्टिफिकेट अनलेस यू आर एबल टू चेक कि एंड यूटिलाइजेशन, एंड पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है उसको पैसा। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल इन दिस। आपने एनएचआई के कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपने आपको किसी को पता होगा, एनएचआई जो कॉन्ट्रैक्ट देता है सर, 2012-11 से पहले एक ही रोड पे तीन बारी फंडिंग हो रही थी सर, एक रोड पे तीन बारी फंडिंग कैसे हो रही थी? मैं आईएलएनएफएस का एग्जांपल लेता हूं, सपोज फॉर एन एग्जांपल, आई डोंट नो उसमें हुआ नहीं हुआ, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। आईएलएनएफएस ने अपनी बॉम्बे में सपोज एक सब्सिडी बनाई एबीसी। आपको यह पता है कि एनएचआई का कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी मिलता है जब आपकी रोड अगर आपकी कंपनी उस स्टेट में हो। तो जैसे अगर मेरे को बॉम्बे में एनएचआई से कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आई विल हैव टू फॉर्म अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इन बॉम्बे। तो मैंने आईएलएनएफएस ने अपनी एक एसपीवी बनाई एबीसी इन बॉम्बे। एनएचआई ने मेरे को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया एबीसी में, और उसको मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ अपनी होल्डिंग कंपनी में, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं उसको। तो आई सब कॉन्ट्रैक्ट दैट वर्क टू आईएलएनएफएस। तो क्या हो रहा था, एबीसी अप्रोच द बैंक्स कि भी मेरे को एनएचआई से एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो एबीसी ने बैंक से लोन लिया। आईएलएनएफएस बीइंग द होल्डिंग कंपनी, उन्होंने बैंक को अप्रोच करा, जी मेरे को एबीसी से रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरे को पैसे दिए, आईएलएनएफएस ने लोन लिया। थर्ड, एनएचआई ने एबीसी को ग्रांट दी कि भी आप ये पैसा लीजिए और रोड बनाइए। देयर वर सम स्टिपुलेशन सैंक्शन एट, उसको डिस्कशन, उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो एक ही रोड पे एबीसी वॉज टेकिंग लोन, आईएलएनएफएस वॉज टेकिंग लोन, एंड एनएचआई वॉज गिविंग ग्रांट। हालांकि ये चीज अब रुक गई है। That's why आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो शुरू में 10, 11, 11, 12 से पहले वाले थे, they have all defaulted because they were highly over leveraged. उन केसेस में क्या हो रहा था, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन थी ही नहीं सर। आईएलएनएफएस ने सपोज अपनी 29-30 स्टेट्स में सब में उसने एसपीवीज बना ली और सब में लोन ले लिया। तो आईएलएनएफएस अपनी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए क्या करता था, किसी और एसपीवी से पैसा ले लेता था और किसी और एसपीवी में प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा देता था। तो उस केस में आपको सबसे पहले आपको चेक करना है ट्रेसिंग द सोर्स एंड जेन्युइननेस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू चेक द सोर्स एंड जेन्युइननेस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू चेक वेदर द फंड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज एंड फ्रॉम नो वन एल्स। आपको सबसे पहले जेन्युइननेस चेक करनी है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज डू नॉट साइन, रिपीट, डू नॉट साइन एनी सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन unless and until you have checked whether the contribution is genuine or not. One of my friend, he got a notice from ED, ek federal bank ka case hua tha, bahut badi company ka, usne usme promoter contribution ka certificate sign kara hua tha sir. Us promoter contribution ka single page certificate pe he got a notice of 12 page from ED. Usko 12 page ka notice aaya ED se ki bhi aapne promoter contribution certificate kaise sign kara, uske proper documents hamare paas leke aaye. So you have to ensure that the contribution by promoter in respect of equity debt infused by promoter is genuine and it is not a fake one. Next point aata hai hamara verification of revenue. Sir, this is a very important point jahan pe humko sales apni check karni hai. This comes the most important point jab humko sales check karni hai. Ab question aata hai, hum sales kaise check kare? There are various ways in which you can verify the sales. I'm going to talk about general aspects and forensics. Bilkul jo general hai hamare. अब मैं कैसे सेल्स चेक करता हूं, मैं आपको बताता हूं सर। अगर तो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैं उसमें सारी चीजें छोड़ के मैं सबसे पहले उसे मांगता हूं गेट पास रजिस्टर। अगर आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो आप सबसे पहले उससे मांगेंगे गेट पास रजिस्टर। रीजन बीइंग, प्रिपेयरिंग इनवॉइसेस इज वेरी इजी, प्रिपेयरिंग ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, वे स्लिप, धर्मकांडा की पर्ची कहते हैं उसको, परचेज ऑर्डर, जीआरएन इज वेरी इजी। But preparing a gate pass register is one of the most tedious jobs, according to me. किसी भी कंपनी को गेट पास रजिस्टर बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। रीजन बिंग, क्यों दिक्कत आती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी उसमें जो प्रमोटर है वो कभी भी फैक्ट्री पे नहीं बैठ सकता 24/7 टू चेक कि भी क्या सामान आ रहा है क्या जा रहा है। ओनली गेट पास रजिस्टर कैन हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई कि फैक्ट्री में क्या सामान आया और क्या सामान निकला। अब गेट पास रजिस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, क्या ट्रक आया, कौन बंदा उस ट्रक को लेके आया, कितने बजे आया, उस ट्रक का नंबर क्या है, उस ट्रक में क्या सामान आया, क्या सामान ट्रक से निकला, कितने बजे निकला, कौन लेके निकला, उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो मेंटेनिंग अ गेट पास रजिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट टीडियस जॉब्स।
और वो इतनी आसानी से मेंटेन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हमको 10 से 12 चीजें मेंटेन करनी पड़ती है गेट पास रजिस्टर में, वेन एवर एनी ट्रक एंटर्स द फैक्ट्री और वेन एवर एनी ट्रक लीव द फैक्ट्री। तो अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हैं, यू प्लीज वेरीफाई द गेट पास रजिस्टर ऑफ दैट इंडस्ट्री, वट एवर द केस में भी, कोई राइस हो, कोई स्टील हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई पाम ऑयल ऑयल इंडस्ट्री हो, तो अगर आप उसका गेट पास, जैसे ऑयल इंडस्ट्री में टैंकर्स जाते हैं सर बड़े बड़े, तो टैंकर्स में आपको आइडेंटिफाई होता है कि इस टैंकर में ये आया और इस टैंकर से ये निकला। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हैं, प्लीज वेरीफाई द गेट पास रजिस्टर। दूसरा एग्जाम्पल आते हैं सर, सपोज अगर आप किसी होटल इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हैं, जब मैंने एक होटल इंडस्ट्री का ऑडिट करा, उसमें आपको होटल इंडस्ट्री का ऑडिट में क्या करना है, सेल्स अगर आपको उसमें वेरीफाई करनी है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप सीधा जाइए रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे जाके उनका, आपको पता है जो भी होटल इंडस्ट्री होती है, दे मेंटेन टू सॉफ्टवेयर, वन सॉफ्टवेयर इज एट द रिसेप्शन एंड सेकंड सॉफ्टवेयर इज फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उनके कभी भी दोनों सॉफ्टवेयर लिंक नहीं होते, रीजन बीइंग जो रिसेप्शन पे सॉफ्टवेयर होता है, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एंट्री ऑफ गेस्ट, कि कौन सा गेस्ट कितने बजे आया, कब चेक इन करो और कब चेकआउट करो, उस बंदे का नाम क्या है, नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। तो अगर आप किसी भी होटल इंडस्ट्री का ऑडिट अगर आप कर रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है रिसेप्शन पे। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स फॉर हाउ टू वेरीफाई सेल्स, बाकी सारी चीजें इंटरेटेड हो मैं अभी आपको बता दूंगा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हाउ टू वेरीफाई सेल्स। कोई भी होटल इंडस्ट्री का, आप सीधा रिसेप्शन पे जाएंगे, उसको कहेंगे कि मेरे को लास्ट 30 डेज की जो गेस्ट लिस्ट है वो निकाल के दे दे। हमने एक इंडस्ट्री, हमने जब एक होटल को ऑडिट करा, हमने जब उससे कहा कि हमको लास्ट 3 मंथ्स की हमको गेस्ट लिस्ट निकाल के दे, उसमें हमने देखा कि वन सिंगल मोबाइल नंबर वॉज अपियरिंग रिपीटेटिव टाइम्स, एक ही मोबाइल नंबर, वन ईमेल आईडी वॉज अपियरिंग रिपीटेटिव टाइम्स। जब हमने उस मोबाइल पे कॉल करा, हमको पता लगा वहां के किसी स्टाफ का ही नंबर था। When we questioned that staff, he confessed that we were booking fake sales. आप होटल इंडस्ट्री में ना, आपके लिए सेल्स परचेज को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, whether it is genuine or not. सबसे बढ़िया तरीका है, आप सिर्फ रिसेप्शन पे जाइए, उसके सॉफ्टवेयर से उससे लास्ट 3 मंथ्स का डाटा ले लीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे कि कोई भी गेस्ट का, उसमें उसमें अगर पैन नंबर सेम आ रहा होगा या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अगर सेम आ रहा होगा, इट मीन्स दैट द होटल इज बुकिंग फेक सेल्स, वो फेक गेस्ट दिखा रहा है अपने, क्योंकि आपके लिए सीसीटीवी या वो सब कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। तो यू हैव टू चेक द नेचर ऑफ इंडस्ट्री और ऑडिटिंग। मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल देता हूँ ज्वेलरी इंडस्ट्री का। अब ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या दिक्कत है सर, ज्वेलरी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बीइंग अ हाई वैल्यू आइटम, उसमें ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। उसमें वो कहते हैं कि हमने बाय हैंड उसको डिलीवर करा है, या हमने बाय हैंड उसको डिलीवर करा है, या हमारे पास शॉप में ही बंदा आया था खरीद के ले गया। तो आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में दिक्कत क्या आती है, यू मेन इशू इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, यू डोंट हैव द ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स। उसमें सबसे इजी तरीका चेक करने का है, इफ द कस्टम इफ दे डू नॉट हैव द स्टाफ ऑन द रिकॉर्ड, दे मस्ट बी इनकरिंग जॉब वर्क चार्जेस। तो अगर आपको किसी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री का ऑडिट चेक करना है, आप उसके जॉब वर्क चार्जेस को कंपेयर कर सकते हैं विद सेल्स, क्योंकि एक तो होती है उनके गोल्ड की वैल्यू, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। एक होती है देस कन्वर्जन चार्जेस, जैसे कन्वर्जन चार्जेस होते हैं, जॉब वर्क चार्जेस होते हैं। देन यू कैन आइडेंटिफाई कि अगर वो एक्चुअल में सेल्स कर रहा है तो क्या सेल्स कर रहा है, किसको सेल्स कर रहा है, यू कैन कंपेयर द जॉब वर्क चार्जेस। उसके अंदर आपके ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आएंगे सर, गेट पास रजिस्टर काम नहीं आएगा, क्लाइंट लिस्ट काम नहीं आएगी उसमें आपकी, उसमें आपका काम आएगा योर जॉब वर्क चार्जेस एंड कन्वर्जन चार्जेस दैट आर बीइंग चार्ज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ज्वेलर। सेकेंडली, आप उसके डेटर्स ऑफ स्टॉक को कंपेयर करेंगे। तो व्हाइल आइडेंटिफाइंग सेल्स एंड परचेजेस, यू हैव टू चेक वेदर एक्चुअल में वो सेल्स परचेज हो रही है नहीं हो रही है। That is dependent on industry specific things. आपके industry specific parameters होते हैं, जैसे मैंने आपको manufacturing का बताया, trading का बताया, ज्वेलरी का बताया। Similar things, जैसे अगर service industry है, service industry में आपकी employee cost will be very high. अगर आप किसी भी listed company से Infosys की अगर आप balance sheet देखेंगे, Wipro की balance sheet देखेंगे, their employee cost is more than 50% of the total expenses. Reason being, their employees are their main asset. जो उनका main खर्चा होता है वो होता है इनके employees पे, staff पे, who are developing that software. तो वाइल वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, यू हैव टू चेकिंग द सेल्स इनवॉइसेस, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, बिलिंग प्रोसेस इज वन थिंग, आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग्स जो आपको करनी है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपको उसका देखना है, जैसे वी वर ऑडिटिंग वन ऑफ द कंपनीज वेयर बाय दे वर मेकिंग सेल्स एट अ नेग्लिजिबल प्रॉफिट, मतलब वो ट्रेडिंग सेल्स कर रहा था, लेट मी गिव, इट वॉज एन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ही वॉज मेकिंग सेल्स एट अ नेग्लिजिबल प्रॉफिट, मतलब वो 100 रुपए का ले रहा था और 100.01 में उसको बेच रहा था विदाउट एनी प्रोसेसिंग, और सामान उसकी फैक्ट्री में भी नहीं आ रहा था।
सिंस वेन एवर यू आर डूइंग एनी फॉरेंसिक और नॉर्मल ऑडिट, अगर उसकी सेल्स नेग्लिजिबल प्रॉफिट पे हो रही है एंड इट इज जस्ट अ ट्रेडिंग सेल्स, देर इज अ हाई चांस दैट ही इज जस्ट ओवरस्टेटिंग हिज सेल्स एंड परचेसेस एंड नथिंग एल्स. अगर आप किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिट करें और किसी आप किसी का मैं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग है, अगर किसी की फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट इफ समवन इज ओनली अंडरटेकिंग ट्रेडिंग सेल्स और ट्रेडिंग सेल्स में ही इज मेकिंग सेल्स एट अ नेग्लिजिबल प्रॉफिट, फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क हिम कि यार इससे अच्छा तो वो अपना बिजनेस ही बंद कर देना, व्हाई आर यू मेकिंग सेल्स एट अ नेग्लिजिबल प्रॉफिट. एंड इफ ही इज हैविंग अ बैंक लिमिट देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ चांस ही इज मेकिंग फेक सेल्स, उसकी एक्चुअल में वो सेल्स नहीं है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू ओवरस्टेट हिज सेल्स एंड परचेसेस. That can be a case of overstatement of sales and purchases. ऐसे you will identify. आज की डेट में all the borrowers have become so advanced. आपके पास invoices, transportation documents, bill सब आपको मिलेंगे. मैं अभी एक medical industry का audit कर रहा हूँ sir, एक hospital का audit कर रहा हूँ मैं. I'll give you an example. मैं अभी एक hotel industry का भी currently मेरा audit चल रहा है. They have a limit of around 350 crores. उसमें उस बंदे ने क्या कर रखा है, उसने अपना सारा stock write off कर दिया sir. मेडिकल मेडिसिन का ही हैज ऑल द प्रॉपर सर्टिफिकेट्स की भी मेरी सारी मेडिसिन एक्सपायर हो गई थी एंड ही हैज रिटर्न ऑफ 180 करोड़ ऑफ स्टॉक एज एक्सपायर्ड मेडिसिन. हॉस्पिटल का मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये करंट है प्रैक्टिकल जो भी मैं कर रहा हूँ. उसने 180 करोड़ का स्टॉक राइट ऑफ कर दिया शोइंग इट एज एन एक्सपायर्ड स्टॉक. ही हैज प्रोवाइडेड मी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, ही हैज प्रोवाइडेड मी सेल्स डॉक्यूमेंट, ही हैज प्रोवाइडेड मी ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, ही हैज प्रोवाइडेड मी अ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ सर्टिफाइड वैल्यूअर शोइंग दैट दीज मेडिसिंस हैव एक्सपायर्ड. अब क्वेश्चन आता है हाउ विल आई चेक वेदर दीज आर जेन्युइन और नॉट, ये क्वेश्चन आता है सर. इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ. इवन दो ही हैड ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टिल वी आर क्लासिफाइंग दैट अकाउंट एज फ्रॉड. रीजन बीइंग हमने उससे पूछा सर आपने ठीक है सपोज हम मार्च 20 में हैं, मार्च 20 में ही हैड अ स्टॉक ऑफ 200 करोड़. हमने उससे पूछा ठीक है सर मार्च 20 में आपको 200 करोड़ का स्टॉक था, आपने सारा राइट ऑफ जाके जून जुलाई अगस्त में आपने सारा राइट ऑफ कर दिया 180 करोड़ का. ही हैड द डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट सेल परचेज एवरीथिंग ही हैड. देन वी आस्क्ड हिम द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू AS2 का हमने उससे कॉन्सेप्ट पूछा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्वेश्चन हिम सर अगर आपको मार्च 20 में आपकी इन्वेंट्री थी 200 करोड़ की एंड यू न्यू दैट ये सारी इन्वेंट्री आपकी एक्सपायर हो जाएगी मई जून में जाके एंड 200 करोड़ आपने आज तक कभी सेल नहीं करा, व्हाई डिडंट यू रिकॉग्नाइज योर स्टॉक एट अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आपने उसको कॉस्ट और NRV से नीचे लोअर लेवल पे क्यों नहीं लिखा आपने. सेकेंडली सिंस द स्टॉक इज द प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ द बैंक्स, अगर आपने देखा होगा कैश क्रेडिट लिमिट में स्टॉक इज द प्राइमरी सिक्योरिटी स्टॉक एंड डेटर्स. So if you are writing off any stock, first and foremost, you have to take permission from the banks. आपको banks को वो सारा stock check कराना जरूरी है. It is compulsory for you to get that stock verified from the banks. He never got that stock verified from the banks. उसने एक तो stock verify नहीं कराया. He did not value his stock at a net realizable value on March 20. उसने March 20 में stock को overstate करा for the purpose of his stock statements, so that company bank उसको ना identify कर पाए. June में he had a financial crunch. That's why he wrote off every or each and every inventory in his balance sheet. So even though he had all the documents, all the papers, expiry documents, purchase, sales, transportation, sab the uske paas. But then we have to apply our mind ki bhi usne theek hai stock usne write off kara. Whether he has properly showed that write off stock in his balance sheet. Ki agar usko March 20 mein pehle se pata tha ki iska stock ki value June mein jaake zero hone wali hai. Why didn't he create a provision or impairment or revaluation of that stock in March 20? So while doing any audit, आपको negligible profit, जैसे मैंने आपको बताया गेट पास रजिस्टर. I'll give you one more example. एक हमने audit करा एक company का which was a top 10 defaulter. I'm talking about sales. उसके बाद debtors में हम आएंगे. अभी मैं आपको sales के practical example से example बता रहा हूँ. आपको sales से बहुत idea लग जाएगा. एक हमने करा audit एक company का जिसमें उसकी उसने sales करी थी. जैसे A ने B को करी, B ने C को करी, C ने D को, D ने E को और E ने वापस A को. So what was happening? It was happening a circular trading of sales was happening. उसमें क्या चीज थी, इवन दो एज पर कंपनीज एक्ट वो सारी रिलेटेड नहीं थी, दे वर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आपको अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी है, आपको पता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 या इन डी एस 24 के हिसाब से आपको उसके कॉन्सेप्ट या कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको चेक करना है वेदर इट इज अ रिलेटेड पार्टी और नॉट. बट व्हाइल डूइंग फॉरेंसिक ऑडिट यू हैव टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, आपको उसके बियॉन्ड जाना है.
आपको ये देखना कि कई कंपनी उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेट मी शो यू वेबसाइट, एक वेबसाइट है zobacorp.com, आई विल शो यू द वेबसाइट। आई विल राइट नाउ स्टॉप स्टॉप द शेयर स्क्रीन, आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन। लेट जी है, एक वेबसाइट है सर zobacorp.com, आप नोट कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी यूजफुल वेबसाइट। सपोज मैंने यहाँ पे सर एक कंपनी डाली, रिलायंस, रिलायंस लिमिटेड। यहाँ पे मैंने क्या करा, रिलायंस लिमिटेड का मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर लिया, एच ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर मुंबई, दिस इज द एड्रेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब इस साइड में क्या बेनिफिट है, अगर आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस एड्रेस पे कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है। जैसे मैंने अब यहाँ पे डाला एड्रेस एच ब्लॉक, तो यहाँ पे सर अराउंड 685 कंपनीज रजिस्टर्ड आ रही है। मैंने फर्स्ट फ्लोर डाल देता हूँ, इस एड्रेस पे 685 कंपनीज रजिस्टर्ड है रिलायंस के एड्रेस पे। आई एम गिविंग दिस, मैं रिलायंस स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले रहा क्योंकि यह इजीली एक्सप्लेनेबल है। तो एक एड्रेस पे 685 कंपनी रजिस्टर्ड है सर। तो व्हाइल डूइंग फॉरेंसिक ऑडिट हम क्या करते हैं, अगर हम किसी कंपनी से सेल्स परचेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या हमारा कोई डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, वी ट्राई टू चेक, इवन दो द डायरेक्टर्स आर नॉट कॉमन और शेयर होल्डर्स आर नॉट कॉमन, वी ट्राई टू चेक कॉमन एड्रेसेस, we try to check common email IDs or common mobile numbers anywhere in the record. जैसे अगर हम हमने 685 companies का address identify करा कि इस address पे 685 companies है, अगर मैं Reliance को audit कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं उसका forensic audit कर रहा हूँ और मैं identify करता हूँ कि इस address पे 685 companies registered है, I will try to identify कि Reliance की इन 685 companies से क्या transaction है। अगर किसी company से बहुत ज़्यादा transaction है, then I will check whether it is shown as a related party or not. If the companies of the view, क्योंकि कोई डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स कॉमन नहीं है और इसमें एज पर कंपनीज एक्ट और AS 18 वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू शो इट एज अ रिलेटेड पार्टी, देन व्हाइल डूइंग माय फॉरेंसिक ऑडिट आई विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वील। मैं कहूंगा आई विल गो बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड आई विल ट्राई एंड आई विल राइट इन माय रिपोर्ट दैट दीज कंपनीज हैव कॉमन एड्रेसेस विद रिलायंस, हेंस दीज कंपनीज माइट बी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रिलायंस। आई यूज दैट लैंग्वेज। You have to remember while doing forensic audit, report writing is a very important task. आपको अपनी report writing में forensic audit में that is a very separate session. Report writing is a separate thing. आपको एक होता है काम लाके काम करना, second thing is report writing. So report writing requires using the words, जैसे मैंने आपको words अभी क्या use करा, that these company might be indirectly related to the main company, to the borrower company, due to having common address. Now you leave it upon the banks what call they have to take. जैसे मैंने आपको example बताया था A B C D E and वापिस A sales circular trading. उसमें से सात कंपनियों में से छह कंपनियों का address common था sir. Even though directors were same. When we further went into the data, हमने देखा कि company A के peons और जो ex employees थे उन्हीं को उन companies में director बनाया होता sir. हमने एक बंदे का नाम identify करा. हमने जब उस बंदे का लिंक्डइन प्रोफाइल वेरीफाई करा, उसमें हमने देखा ही वाज एन एम्प्लॉय इन द बोरोर कंपनी 6 months प्रायर टू दिस डेट, मतलब 6 महीने पहले वो उस कंपनी में एम्प्लॉय था और 6 महीने बाद अब दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है जिससे कंपनी सेल परचेज कर रही है। तो वाइल डूइंग फॉरेंसिक ऑडिट आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी की इंप्लॉय लिस्ट लेनी पड़ेगी। अगर किसी कंपनी की बहुत ज्यादा सेल्स है, आप उस कंपनी की इंप्लॉय लिस्ट लेंगे पिछले 6-3 साल की, 4 साल की, उसमें कंपेयर करेंगे कि जिस कंपनी से कंपनी मटेरियल ट्रांजैक्शंस कर रही है, सेल्स परचेज कर रही है, वेदर दैट पर्सन, वेदर द डायरेक्टर्स इन दोस कंपनीज वर प्रीवियसली एम्प्लॉयज इन योर कंपनी और नॉट, आपको वो चेक करना है, वेदर द कंपनीज विद हुम द सेल्स परचेज ट्रांजैक्शन आर बीइंग डन दे हैव कॉमन एड्रेसेस और नॉट, आपको कॉमन एड्रेसेस देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया रिलायंस के एड्रेस पे 685 कंपनियां रजिस्टर्ड है सर, 685 कंपनीज आर रजिस्टर्ड ऑन देयर एड्रेस। I'm not saying they are related, unrelated, whatever the case may be. But since 685 companies are registered, these are indirectly related to Reliance company. Agar in 685 messages, main suppose ko 15 companies aisi hai jinke saath majority of 50-60% of the transaction hai, then it should ring a bell in your mind ki bhi aisa kya hai ki 15 companies sirf jinse 50% ki transaction hai, they are registered on same address of Reliance and they are not showing it as a related party. इन दैट केस आपको फर्दर उसको डिग इन करना है, उसको चेक करना है कि उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है और वो कौन कौन बंदे हैं जिनसे इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है सर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट।
You have to lift the corporate veil. You have to go beyond that to identify whether the company is related or not. आप साइट नोट कर सकते हैं, दिस इज अ वेबसाइट ऑफ ज़ोबा कॉर्प है, सिमिलर टू एमसीए वेबसाइट, बट ये है ज़ोबा कॉर्प जो है वो थोड़ा देर में अपडेट होती है. जैसे अगर आप अपना कोई डायरेक्टर चेंज करेंगे तो आपका एमसीए पे तो साथ के साथ अपडेट हो जाता है, बट ज़ोबा कॉर्प टेक्स अ फ्यू मंथ्स टू अपडेट दैट रिकॉर्ड. तो जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इट वॉज लास्ट अपडेटेड ऑन December 2020, तो ये 6 महीने से इसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है. तो इसमें जो रिकॉर्ड आता है वो थोड़ा पुराना आता है, 5-6 महीने पुराना आता है, बट दिस हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल एड्रेसेस, कॉमन एड्रेसेस आर देयर इन द कंपनी. जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन एड्रेस डाला था, तो आई इजिली गॉट के 685 कंपनी है जिनका एड्रेस कॉमन है. नाउ इट इज अपॉन यू हाउ यू कलेक्ट द डाटा, हाउ यू यूज द डाटा. सिमिलरली यहाँ पे एक वेबसाइट है परिवहन, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने खुली हुई है साइट परिवहन. इसमें अगर आप जाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो योर व्हीकल डिटेल्स. जब आप यहाँ पे व्हीकल डिटेल्स डालेंगे, नो योर व्हीकल डिटेल्स यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आपको सिर्फ गाड़ी का नंबर डालना है यहाँ पे. यू विल इजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट व्हीकल, वेदर इट इज अ मोटरसाइकिल, वेदर इट इज अ कार, वेदर इट इज अ ट्रक, वेदर इट इज अ टेम्पो, वॉट एवर द केस में भी. तो आप यहाँ पे जब परिवहन वेबसाइट करके है, तो जब आप यहाँ पे व्हीकल की डिटेल्स डालेंगे, यू विल कम टू नो द नेचर. आपको यहाँ पे उसका मॉडल नंबर भी पता लग जाएगा. सपोज अगर उसने टेम्पो का लिखा, टेम्पो का उसमें अगर मॉडल नंबर का गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल कम टू नो द कैपेसिटी ऑफ दैट टेम्पो टू कैरी द अमाउंट ऑफ गुड्स इट कैन. आपको उसमें कैपेसिटी पता लग जाएगी. तो परिवहन वेबसाइट कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग योर ऑडिट्स. ज़ोबा कॉर्प मैंने आपको बताया. एक वेबसाइट है हमारी आइस गेट की. नाउ वी विल कम टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. सेल्स परचेज में ही इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं सर. जब भी हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी हमारी शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री, ये सारी डिटेल्स बनती है सर. उस केस में आपसे जो हमने एक ऑडिट करा, जिसके अंदर हमको क्लाइंट ने शिपिंग बिल्स प्रोवाइड करे सर, कि हमने सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और ये हमारे शिपिंग बिल्स हैं. जब हमने वो शिपिंग बिल्स जाके आपको सिंपली यहाँ पे सिर्फ शिपिंग, आपको लोकेशन डिसाइड करनी है कौन सी है. सपोज मैंने यहाँ पे अमृतसर डिसाइड करी लोकेशन. यहाँ पे आपको शिपिंग बिल, जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके क्लाइंट देगा सेल्स परचेज से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, आपको यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर डालना सिर्फ, और यहाँ पे शिपिंग बिल डेट. वो आपको जब शिपिंग बिल देगा उसके अंदर ये सारी डिटेल होगी. You just have to submit here. आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी whether वो goods import या export हुए या नहीं हुए. Similar is the case of bill of entry. ये IceGate website है, ये customs की website है, government की website है ये, excise and customs. तो इसके अंदर आपको पता लग जाएगा whether in actual the goods were imported or exported or not. इसका मैं आपको एक example देता हूँ Rotomac का. आपने Rotomac का अगर scam सुना होगा तो, Rotomac India जो pen बनाती थी, उसके अंदर क्या हुआ, दे हैड टेकन अ पैकिंग क्रेडिट लिमिट. उन्होंने सर पैकिंग क्रेडिट लिमिट ली थी. नाउ एज यू नो पैकिंग क्रेडिट लिमिट इज जनरली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. कि आप पैकिंग क्रेडिट लिया, आप उससे जो भी गुड्स बनाएंगे यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दोज गुड्स. Rotomac में क्या हुआ, इवन दो ही अवेल्ड द पैकिंग क्रेडिट लिमिट, उसने एक्सपोर्ट नहीं करे. ही डिड नॉट एक्सपोर्ट इवन, उसने एक्सपोर्ट ही नहीं करे सर गुड्स. व्हाट ही डिड, ही यूज्ड द पैकिंग क्रेडिट लिमिट फॉर डोमेस्टिक सेल्स. लेकिन उसने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनाए होते, तो जब आप इस वेबसाइट से उसको वेरीफाई करेंगे आपको पता लगेगा उसने एक्चुअल में एक्सपोर्ट ही नहीं करा सर कुछ. तो इफ योर एनी ऑफ योर क्लाइंट इज डूइंग एक्सपोर्ट सेल्स, इंपोर्ट सेल्स, इफ इज गिविंग यू बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, प्लीज वेरीफाई दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ IceGate. ये IceGate की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है सर. तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये लोकेशन भी सिलेक्ट होगी. जैसे नवा शेवा होती है, बॉम्बे पोर्ट होता है, जैसे मैं आपको, आपने सुना होगा सारे पोर्ट्स होते हैं ये जहां से गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं. तो आपका जौन सा भी पोर्ट है यू सिलेक्ट दैट पोर्ट. उसके बाद आप उस पोर्ट को, जैसे मुंबई, आपने मुंबई सी आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे. उसके बाद आपको यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर डालना है, डेट डालनी है, देन ओनली यू विल बी, आप सबमिट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो. सिमिलर आपको परिवहन में आपको अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स है उसकी डिटेल मिल जाएगी, कि वेदर उस ट्रक का नेचर क्या है, वो ट्रक नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. थर्डली यू कैन यूज द वेबसाइट ज़ोबा कॉर्प. अगर आपका कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं एंड यू आइडेंटिफाई कि भी इन 5 पार्टी से बहुत ज्यादा सेल्स है, आपको क्या करना है, आपको सैंपल क्रिएट करना है. यू हैव टू कम टू द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, इवन दो यू हैव टू चेक एवरीथिंग. बट अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसका ही, जो भी होटल वाले का हम ऑडिट कर रहे हैं, ही वॉज शोइंग अ सेल्स ऑफ अराउंड 800 crores इन हिज बैलेंस शीट. जब हमने टॉप सेल्स परचेजर्स एंड सेलर्स की लिस्ट निकाली, हमने देखा 2 कंपनीज आई उसमें, सपोज कंपनी ए एंड कंपनी बी.
जब हमने कंपनी ए और बी की वेरिफिकेशन करी एमसी डॉक्यूमेंट्स में, वी ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी वाज अ डायरेक्टर इन कंपनी ए एंड बी एंड बोथ द कंपनीज। तो हमारी जो बोरोर कंपनी है वो ए से सेल कर रही है और बी से परचेज कर रही है। नाउ वी आर क्लासिफाइंग दोज टू कंपनीज एज बीइंग इनडायरेक्टली रिलेटेड, वेयर बाय सेल्स एंड परचेज आर बीइंग अंडरटेकन जस्ट टू ओवरस्टेट देयर सेल्स एंड परचेजेस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट सेल परचेज। मैंने आपको नेग्लिजिबल प्रॉफिट का बताया, आप उससे अपना सारा सेल्स एंड परचेजेस को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट देख के लगता है कि एक्चुअल में वो सेल परचेज नहीं कर रहा है, देन यू कैन क्लासिफाई दैट अकाउंट एज फ्रॉड, अगर वो एक्चुअल में सेल परचेज नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग ओवर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज फ्रॉड, जहां पे आप डेटर्स को स्टॉक को ओवर स्टेट करते हैं। आई शो यू द एमसीए सर्कुलर एज वेल, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको एमसीए का सर्कुलर भी, आरबीआई का सर्कुलर दिखाता हूँ सर, जिसमें डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड है। ये हमने कल भी डिस्कस करा था, मैं आपको एक मिनट, आई शो यू द, दिस इज द आरबीआई सर्कुलर फॉर डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। आपको ध्यान होगा कल मैंने आपसे फ्रॉड का डिस्कस करा था स्टॉक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्लॉज नंबर 2 में। This is the definition of fraud. Fraud committed by unscrupulous borrowers. इसमें अगर आप देखेंगे ये है point, fraudulent transaction. ये point बढ़िया सर। Fraudulent removal of pledged stock, disposing of hypothecated stock without bank's knowledge, inflating the value of stock in stock statement and drawing excess bank finance. तो अगर आपका कोई भी client stock statement को overstate करता है, that account is to be classified as fraud. तो अगर आप अब स्टॉक स्टेटमेंट को कैसे ओवरस्टेट करेगा सर, अगर वो सेल परचेज फेक दिखा रहा है, ही शोइंग अ सेल परचेज ओवरस्टेटिंग हिज सेल्स परचेज, दिस मींस ही इज ओवरस्टेटिंग हिज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एज वेल, इन दैट केस ही इज ओवरस्टेटिंग हिज स्टॉक स्टेटमेंट। तो आपको आरबीआई सर्कुलर का ये वाला रेफरेंस, इस क्लॉज का रेफरेंस देके उसको फ्रॉड क्लासिफाई करना पड़ेगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू प्रूव दैट हिज सेल्स परचेज आर ओवरस्टेटेड। वो आप कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मैंने आपको होटल का एग्जांपल दिया, आपको मैंने गेट पास रजिस्टर का बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, आपको सर्कुलर ट्रेडिंग का बताया, वेयर बाय द पार्टीज आर इनडायरेक्टली बीइंग रिलेटेड, आपको उसको फर्दर वेरीफाई करना पड़ेगा ज़ोबा कॉर्प से जाके या एमसीए से जाके, आप उसको चेक करना पड़ेगा। दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द सेल्स परचेजेस वर बीइंग ओवरस्टेटेड बाय देम और नॉट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर रिगार्डिंग सेल्स परचेजेस। अब हम आते हैं हमारा दूसरा पॉइंट पे, विच इज रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ रिसीवेबल्स। सर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिफिकेशन ऑफ रिसीवेबल्स। अब क्वेश्चन आता है हाउ वी विल वेरीफाई। जैसे आपको पता है देयर कैन बी अ फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट। मोस्ट ऑफ द बोरोअर्स इन इंडिया हैव अवेल्ड अ कैश क्रेडिट लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट अवेल करते हैं। 60-70% ऑफ आवर बैंक फाइनेंस इज इन फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। इन दैट कैश क्रेडिट लिमिट द फर्स्ट एंड द प्राइमरी सिक्योरिटी इज योर स्टॉक एंड डेटर्स। तो इफ यू आर डूइंग एनी फॉरेंसिक ऑडिट यू हैव टू बी रेस्ट एश्योर्ड। जैसे अगर मैं 100 फॉरेंसिक ऑडिट कर चुका हूं तो 70% केसेस में आई हैड टू चेक द डेटर्स एंड स्टॉक। माय मेन फोकस वाज स्टॉक एंड डेटर्स, whether the stock and debtors are genuine or not. Whenever any account turns bad or is classified as an NPA, उसमें सबसे पहले borrower क्या करता है, वो अपने debtors को write off कर देता है sir. Write off कैसे कर देता है, वो कहता है मैं अपने पैसे नहीं recover कर पा रहा। जैसे मैंने अब एक rice industry का audit करा sir, he was showing a debtors of 300 crores in his balance sheet as on date of NPA. We as an auditor we questioned him, sir ठीक है आपके debtors 300 crore के खड़े हैं। If I was in his place as a normal businessman, what I will do? I'll try to recover that money from such debtors. मैं उससे पैसा recover करने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा? मैं उसको legal notice भेजूँगा। I'll send him a demand notice. I'll try to recover that money. जैसे आपको ध्यान होगा, हमने जब clause number 3 पढ़ा था कारों में, कि whether it is prejudicial to the interest of the company, whether we have taken reasonable steps to recover such money. Similar thing comes for the debtors. हमको जब भी कोई debtors check करना है, first of all we have to check the sales and purchases जो हमने ऊपर discuss करा। Once we are sure that sales purchases are correct, yeah, we are not able to identify any discrepancies, next step comes to verify the debtors and creditors. आपको debtors और creditors को verify करना है। अब आप वो कैसे verify करेंगे? First and foremost, you have to write confirmations to them. आपको सारे debtors और creditors को confirmation, major debtors and creditors को confirmations लिखनी पड़ेगी। The materiality is to be decided by you कि कितने debtors और creditors को लिखनी है। आपको एक तो उनको confirmation लिखनी है। Secondly, if the bank requires, you have to physically verify them. आपको उनको physical verification करनी पड़ेगी। You have to visit them, you have to try to take the statement from them. आपको उनसे statement मांगनी पड़ेगी। But generally, you cannot be hostile. ऐसा नहीं है वहाँ पे जाके, since you don't have a power of a police officer. आपका CBI या police officer की power नहीं है, so you cannot force that person to give you statement. You can just request him कि साहब ये आपका debtors हैं, whether you can give the confirmation or not. आप वहाँ पे जाके उसकी site की photo खींचेंगे सर।
जो भी डेटर्स है उसकी साइट क्या फोटो खींचेंगे, यू विल अटैच दैट फोटोग्राफ्स इन योर रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको चेक करना है वेदर द डेटर्स एग्जिस्ट और नॉट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, हमने कलकत्ता में एक ऑडिट करा था सर, कलकत्ता में एक डेटर एक ही एड्रेस पे, सॉल्ट लेक का कोई एड्रेस था, एक छोटी सी शॉप थी, वहां पे 25 डेटर्स रजिस्टर्ड थे सेम एड्रेस पे। व्हेन वी विजिटेड दैट, दैट वाज जस्ट अ 10x10 शॉप और उसमें भी शटर लगा हुआ था, तो एक्चुअल में वो डेटर्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे व्हेन वी फिजिकली वेरीफाइड देम। तो आपको जब डेटर्स का वेरिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू सेंड देम कंफर्मेशन लेटर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट सेंडिंग कंफर्मेशन लेटर्स यू विल नॉट बी एबल टू कंफर्म वेदर दैट मनी इज रिकवरेबल और नॉट। सेकेंडली यू हैव टू फिजिकली वेरीफाई देम। थर्ड थिंग्स कम रिगार्डिंग डेटर्स, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे एक डेटर है ए और एक क्रेडिटर है बी, हमने क्या करा, हमने ए और बी का बैलेंस आपस में एडजस्ट कर दिया। वी हैव अ डेटर ए एंड वी हैव अ क्रेडिटर बी, वी हैव एडजस्टेड द बैलेंस ऑफ ए विद बी, वेदर इट इज फ्रॉड और नॉट, यस और नो। अब अपने चैट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को, येस और नो, वी हैव एडजस्टेड द बैलेंस ऑफ ए एंड बी, हमने ए और बी का बैलेंस हमने एडजस्ट कर दिया आपस में, वेदर इट इज फ्रॉड और नॉट, येस और नो। यस यस सर, आप रिप्लाई करेंगे तो मेरे को पता लगेगा सर कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे मेरे को। रिलेटेड पार्टी यस, इफ रॉन्गली डन यस यस सर आपने, ठीक है सर यस, सबका है कि फ्रॉड है सर, ठीक है। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कंसिडरेशन कैन बी इन कैश और काइंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अगर हमने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस आपस में एडजस्ट कर रखा है, वो काफी केसेस में आपको मिलेगा, आप जैसे फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, स्टैट ऑडिट करेंगे, अगर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस आपस में एडजस्ट कर रखा है, देन इन दैट केस इट इज नॉट फ्रॉड इन ऑल द केसेस, रीजन बीइंग एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कंसिडरेशन कैन बी इन कैश और काइंड। इसके लिए एज अ फोरेंसिक ऑडिटर आपको क्या चेक करना है सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको दोनों पार्टी से कंफर्मेशन होना चाहिए, यू शुड हैव अ कंफर्मेशन फ्रॉम पार्टी ए that on your behalf we have made payment to B, and you should have a confirmation from B that on your behalf we have received payment from A. आपके पास उनसे confirmation होनी चाहिए. Secondly, once you have the confirmation, there might be a case they might have a tripartite agreement. लेकिन अगर inter-party adjustment है, that transactions require a detailed discussion, detailed investigation. आपको detailed में उसकी investigation में जाना होगा. ऐसा तो नहीं A and B are directly or indirectly related just to overstate the sales and purchases. Whenever there is any inter-party adjustment, I'm not saying it will be fraud in every case, but आपको उसको verify करना पड़ेगा कि what are the nature of transactions, what is the nature of the parties with whom such transactions are undertaken. जिन parties में inter-party adjustment हुआ है, आपको उनको detail में sir verify करना पड़ेगा. अगर कोई inter-party adjustment हुआ है, I'll give you an मैं आपको एक definition दिखाता हूँ sir. I'll just stop my screen again. Just hold on. This is the definition of diversion of funds. My screen visible as a RBI circular wali? Yes, sir. Yes, yes. Ye hamara RBI circular hai, which defines the word diversion of funds. Routing of funds to any other bank account, ye diversion ki definition hai. I'll tell you the circular, I'll share the circular with the study circle. Ye diversion of funds ki definition hai hamari as per RBI master circular, jiske andar define hai. Routing of funds to bank account other than the lender bank account. ये वाली definition. तो in case we are passing an inter-party transactions, then in that case it will be considered as a diversion of funds, but not fraud. आपको ये ध्यान रखना है. What is the difference between diversion of funds and fraudulent transactions? I'll give you an example. Suppose आपकी company है, company ने bank account खोला हुआ है other than the member bank account. ठीक है, आपकी कंपनी ने वो स्टेट बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन स्टेट बैंक के अलावा उसने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला हुआ है। इन केस योर कंपनी इज रूटिंग योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू एचडीएफसी, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज डायवर्जन ऑफ फंड्स बट नॉट फ्रॉड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायवर्जन एंड फ्रॉड। बट इन केस योर कंपनी हैज ओपनड अ बैंक अकाउंट इन एचडीएफसी एंड इज रूटिंग फंड्स थ्रू एचडीएफसी विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड। क्या मतलब हुआ? Routing of funds to other bank member bank accounts for business purposes is diversion of funds. Routing of funds to bank accounts other than the member bank accounts not for business purposes, then it will be considered as fraud. तो अगर आपकी inter-party adjustment हुई है,
In this case, even though they were business transactions, they were not routed through the member bank account. The paisa bank se route nahi hua. In that case, it can fall under the definition of diversion of funds, but it will not be fraud if you have confirmations from both the parties. Agar aapke paas dono party se confirmation na aaye, then you can write that it might be a fraudulent transactions whereby the sales and purchases have been overstated. But if you have proper documents, aapke paas proper documents hai, whereby you have confirmations from party A and party B, then inter-party can be genuine. जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है द कंसीडरेशन कैन बी इन कैश और काइंड इन दैट केस इट इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन बट इट कैन फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ डायवर्जन ऑफ फंड्स आरबीआई मास्टर सर्कुलर में दे हैव सेपरेटली डिफाइंड विलफुल डिफॉल्टर दे हैव सेपरेटली डिफाइंड डायवर्जन ऑफ फंड्स दे हैव सेपरेटली डिफाइंड साइफनिंग ऑफ फंड्स एंड दे हैव सेपरेटली डिफाइंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जैसे मैंने आपको डायवर्जन का बताया यहाँ पे इन्होंने साइफनिंग ऑफ फंड्स को भी डिफाइन करा हुआ है टर्म साइफनिंग ऑफ फंड्स whereby borrowed funds are detrimental to the health of the entity. They have utilized the funds which is detrimental to the health, मतलब which is not in the benefit of the company. That is construed as siphoning of funds. तो आपको कोई भी forensic audit अगर आप करेंगे, you have to understand the definition of willful defaulter. You have to understand what is red flag account. You have to understand diversion of funds, siphoning of funds, and what is fraud. Once you are able to understand their definitions, then only you will be able to classify that account under the specific head. जैसे हम डेटर्स पे वापस आते हैं डेटर्स पे मैंने आपको बताया पहले आप फिजिकल लेटर कंफर्मेशंस भेजेंगे यू विल डू अ फिजिकल वेरिफिकेशन इफ पॉसिबल थर्डली यू विल चेक कि भी अगर जो डेटर्स हमारे रिकवर नहीं हो रहे हैं व्हाट इज द रीजन फॉर दैट नॉन रिकवरी वेदर इफेक्टिव लीगल स्टेप्स हैव बीन टेकन और नॉट अब लीगल स्टेप्स क्या होते हैं वेदर दे हैव फाइल्ड केस इन कोर्ट और नॉट इफ दे हैड एन एग्रीमेंट वेयर बाय एन आर्बिट्रेटर वॉज टू बी अपॉइंटेड वेदर द आर्बिट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड और नॉट वेदर द आर्बिट्रल अवार्ड हैज बीन रिसीव्ड और नॉट तो आपको डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी सेकंडली डेटर्स की वेरिफिकेशन के यू विल हैव टू कंपेयर द डेटर्स विद द स्टॉक स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको स्टॉक स्टेटमेंट का बताया सर स्टॉक स्टेटमेंट में आपको जनरली जो टाइम पीरियड अलाउड होता है डेटर्स का दैट इज फॉर अप टू 90 डेज यू हैव टू वेरीफाई द एजिंग एनालिसिस ऑफ डेटर्स अप टू 90 डेज आपको पूरी बुक्स की मंथली बेसिस पे एजिंग एनालिसिस चेक करनी पड़ेगी सर कि वेदर अप टू 90 डेज डेटर्स वर करेक्टली शोन इन द स्टॉक स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट और नॉट क्योंकि जैसे मैंने आपको फ्रॉड की डेफिनेशन बताया ओवर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज फ्रॉड अब आपको वो चीज कारों में भी रिपोर्ट करनी है जो हमने कल पढ़ा था तो इसलिए वेरिफिकेशन ऑफ डेटर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सेल्स परचेज चेक करनी है वंस यू आर सेटिस्फाइड सेल्स अगर सेल्स परचेज ओवर स्टेटेड है इट मीन डेटर्स आर ओवर स्टेटेड वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द सेल्स एंड परचेजेस नेक्स्ट स्टेप इज टू कम टू एंड वेरीफाई द डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स कि वेदर एक्चुअल बिजनेस में वो पैसा रिकवर क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि किसी भी कंपनी का पैसा जो मेजरली फंसा होता है वो या तो स्टॉक में फंसा होता है या डेटर्स में फंसा होता है आई विल गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्टॉक कि भी स्टॉक को कंपनी ने कैसे राइट ऑफ करा और हमने उसको कैसे पकड़ा आई विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट कमोडिटी वरना आप कंपनी को पकड़ लेंगे सपोज मैं कहता हूँ एक कंपनी है जो सॉल्ट बेचती है आई एम चेंजिंग द कमोडिटी हमने एक कंपनी का ऑडिट करा जो सॉल्ट बेचती है नमक तो क्या हुआ जब उस बंदे ने हमको कहा कि सर हमारी एक शिप जा रही थी सॉल्ट को लेकर 200 करोड़ का स्टॉक था उसमें सॉल्ट का वो कहते हैं जी हमारी शिप डूब गई हमारी शिप उस अफ्रीका जा रही थी सॉल्ट लेके मैं कहा ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास सब कुछ था उसने कहा जी हमारी जो शिप है वो शिप डूब गई अब क्या है शिप डूब गई लेकिन शिप तो मिल गई लेकिन सॉल्ट तो था वो तो पानी में घुल गया तो अब जो वो आइटम ऐसी थी जिसको आप चेक ही नहीं कर सकते मैं कहता हूँ अगर कोई मशीन होती कुछ होती हम कहते हैं यार मशीन पानी से निकली होगी कुछ तो हुआ होगा शिप तो निकली होगी कुछ तो हुआ उसकी शिप निकल गई लेकिन जो सॉल्ट था नमक था वो सारा पानी में कहते जी हमारा सारा पानी में घुल गया 200 करोड़ का स्टॉक अब नाउ एज एन ऑडिटर आप कैसे उसको वेरीफाई करोगे उसके पास सारी चीजें थी शिपिंग बिल था सब कुछ था शिप की डिटेल थी शिप ये देखिए जी शिप डूबी हुई शिप वहां पड़ी है सब चीजें थी उसके पास मेन चीज था आइटम ही नहीं था सर वो स्टॉक जो स्टॉक था सॉल्ट था वो सारा पानी में घुल गया अब आप कैसे उसको चेक करेंगे सर हाउ विल यू वेरीफाई उसके अंदर यू शुड नो द गाइडलाइंस कि अगर कोई भी शिप से कोई भी सामान लेता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द ट्रांसपोर्टर स्टॉक को पहुंचाना इज द वो हम अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं शिपर को जो शिपिंग करता है सेकेंडली कोई भी स्टॉक अगर शिपिंग के थ्रू जाता है इट इज टू बी इंश्योर्ड वो इंश्योरेंस होनी चाहिए उस स्टॉक की
यू हैव टू वेरीफाई क्या वो शिप 200 किलो का 200 करोड़ का स्टॉक लेके जा सकती है नहीं जा सकती. फोर्थ यू हैव टू स्टडी द एज ऑफ शिप. सर जब भी कोई भी शिप जाती है सी से उसकी ना एक वो निकालते हैं कि ये कितने ट्रिप्स और मार सकती है, मतलब उसकी एक एज निकालते हैं. तो जब हमने उससे कंपनी से पूछा वो कहते हैं ये ट्रिप इस कंपनी का लास्ट ट्रिप था, मतलब दिस वॉज द लास्ट ट्रिप, उसके बाद हमने इसको इस शिप को डिफंक्ट करना था. सो दे गेव मी द डॉक्यूमेंट्स शोइंग दिस वॉज द लास्ट ट्रिप ऑफ द शिप. हमने उसको कैसे पकड़ा, हमने कहा ठीक है जी सारी चीजें हम आपकी मान ली, पहले ये बताइए आपने उस शिपर के अगेंस्ट क्या लीगल केस फाइल करा, वेदर यू हैव फाइल्ड एनी रिकवरी सूट अगेंस्ट दैट शिपर. दे डिड नॉट फाइल एनी रिकवरी सूट. सेकंड आते हैं इंश्योरेंस पे. सर जब आपका स्टॉक इंश्योर्ड था वेदर योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिसीव्ड बाय यू, वो कहते हैं सर हमने एक लेटर लिखा था उनका रिजेक्शन आ गया उसके बाद हमने कुछ नहीं करा. जब उस शिप की ये लास्ट ट्रिप थी मतलब इट डिड नॉट हैव दैट एज, देन व्हाई डिड दे रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग 200 करोड़ ऑफ स्टॉक थ्रू दैट शिप. When we went into further verification, हमने उसकी purchase bills को check करे, confirmations ली, we observed उसने इतनी amount की purchase ही नहीं कर रखी थी सर. He did not purchase such amount. जब हमने और detailed investigation करी, we visited the creditors, we visited the parties from whom purchases have been made, we observed he was showing fake purchases और सारा stock उसने एक बारी में write off कर दिया था सर. उसके ship में actual में salt गया ही नहीं था सर. उसने बोरों में कुछ रखे, कुछ भी चीजें करके port पे setting करके he was showing that he had sent a stock of 200 crores of salt but he did not actually send that stock. So ye sare scenarios aapke samne aate hain whereby everything appears to be correct but then you have to check ki whether actual mein ye cheez ho sakti hai ya nahi ho sakti. So this was a classic example whereby wo kehte ji hamara stock hi nahi hamare paas, hum aapko kaise verify kare, namak tha sir, namak sir pani mein sara ghul gaya. To aapko insurance se usko check karna hai stock ka. Ek aur main aapko cheez bata do stock aur debtors ki sir. जब भी आप किसी का भी फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं या नॉर्मल ऑडिट भी कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रांच ऑडिट भी कर रहे हैं सर, स्टैट ऑडिट जो बैंक का करते हैं, प्लीज कंपेयर द स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ 31st मार्च विद द बैलेंस शीट विच इज फाइल्ड इन सितंबर. आप जब भी उस स्टॉक स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे 31st मार्च से, यू विल कम टू नो कि एक्चुअल में उसने अपना स्टॉक या डेटर्स ओवरस्टेट तो नहीं कर रखे थे. रीजन बीइंग जो बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है 31st मार्च की, वो जनरली फाइनलाइज होती है सितंबर में जाके, लेकिन उसको स्टॉक स्टेटमेंट देनी होती है अप्रैल में. व्हेन यू विल वेरीफाई द स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च विद द बैलेंस शीट विच इज फाइल्ड, यू विल कम टू नो वेदर उसके स्टॉक और डेटर्स एक्चुअल में उतने हैं या नहीं है. तो अगर मैं कोई भी ब्रांच ऑडिट में, अगर बैंक का ब्रांच ऑडिट करने जाता हूं, मैं सिर्फ टॉप 5 पार्टीज की बैलेंस शीट 31st मार्च की और स्टॉक स्टेटमेंट 31st मार्च की मांगता हूं उनसे, मैं और कोई डिटेल नहीं मांगता. बिकॉज वंस यू कंपेयर द स्टॉक स्टेटमेंट विद द बैलेंस शीट, यू विल कम टू नो कि एक्चुअल में उसका स्टॉक करेक्ट है या नहीं है, डेटर्स करेक्ट है या नहीं है. जनरली जो क्लाइंट होते हैं वो 31st मार्च की स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देते. इन दैट केस यू कैन आस्क द बोरोर टू प्रोवाइड यू परचेज एंड सेल्स. फॉर सपोज उसने अगर 25th मार्च की आपको स्टॉक स्टेटमेंट दिया है, यू कैन आस्क द बोरोर टू प्रोवाइड यू डिटेल्स ऑफ 6 डेज, 6 दिन की सेल परचेज दे देंगे वो आपको, उससे यू कैन कैलकुलेट द स्टॉक एंड डेटर्स. तो वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेयर बाय यू कैन कंपेयर द स्टॉक स्टेटमेंट विद द बैलेंस शीट 31st मार्च. अगर वो हाफ ईयरली बना रही है तो आप हाफ ईयरली उसको कंपेयर करिए, क्वार्टरली बना रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रही है तो क्वार्टरली उसको कंपेयर करिए, बट डू कंपेयर द स्टॉक स्टेटमेंट्स विद द बैलेंस शीट फाइल्ड बाय द मैनेजमेंट. तो आपको क्या करना है रिसीवेबल्स में, हमारा क्या क्या है, रेसिप्रोकल रिसीवेबल्स, कंपनी ए ने बी से लेना है, बी ने ए से लेना है. इन दैट केस यू हैव टू चेक वेदर एज पर द सैंक्शन लेटर रेसिप्रोकल रिसीवेबल्स आर अलाउड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर और नॉट. ऑलरेडी रियलाइज दैट रिलेटेड पार्टी का, जैसे मैंने आपको बताया कि AS18 में आपको इनडायरेक्ट रिलेशन भी देखना है सर, नॉट ओनली डायरेक्ट रिलेशन बट इनडायरेक्ट रिलेशन इज ऑल्सो टू बी सीन. डिस्प्यूटेड डेट्स, अब क्या है, अब कारों में शेड्यूल 3 में जैसे हमने कल पढ़ा था सर, अमेंडमेंट हो गई है, डेट्स कंसिडर्ड गुड्स, डेट कंसिडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड डेट कंसिडर्ड गुड्स एंड डिस्प्यूटेड डेट्स कंसिडर्ड डाउटफुल. अब आपको ट्रेड रिसीवेबल्स को इन चार सेक्शन में बायफरेट करना है सर कारों में शेड्यूल 3 में. Now these four things will help you in undertaking your forensic audit. Reason being, आपको पहले से ही पता होगा कौन से disputed debts हैं, कौन से नहीं है, कौन से considered goods हैं, कौन से considered bad हैं. If incorrect disclosure is being given by the management in its balance sheet, it appears that the company has misled the bank. The intention of the company was bad. जैसे अब फिर हम आ जाते हैं प्रूविंग द इंटेंट इज द की. जैसे मैंने आपको बताया जैसे जो शिप डूब गया था कि उसमें इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस कंपनी का उसने केस नहीं करा, शिपर का केस नहीं करा. This clearly proves his intention was malafide. हमने अपनी क्लियरली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा
It appears that the intention of the management was malafide since no effective legal steps have been taken by them against the insurance company and the shipping company. यहाँ पे क्या होता है, नाउ द ओनर शिफ्ट्स ऑन द मैनेजमेंट टू प्रूव कि हमने एक्चुअल में ये सेल करी है नहीं करी है, एक्चुअल में स्टॉक लॉस हुआ है नहीं हुआ है. प्रूविंग द इंटेंट इज द की. अगर आपके डेटर्स खड़े हैं, इफ दे हैव नॉट टेकन, जब डेटर्स का हम लिखते हैं अपनी फॉरेंसिक ऑडिट नोट, व्हाट वी राइट ऑन रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटर्स, डेटर्स अमाउंटिंग टू 100 करोड़ आर पेंडिंग टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन ईयर, हाउएवर नो इफेक्टिव लीगल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द मैनेजमेंट टू रिकवर सच मनी व्हिच इज नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. Hence, it appears that the debtors might be overstated by them to in order to avail a higher drawing power, hence falling under the definition of fraudulent transactions as per RBI Master Circular. ये मैंने आपको exact language बताई जो हम report में लिखते हैं. Report writing is a very important task in forensic audit. आपको words use करने हैं, may, it appears, it seems. You have to use these words क्योंकि let me tell you, as a forensic auditor, you are only providing your opinion. You are not a judge. You are only providing your opinion. Remember that. So you cannot clearly write this is a fraud account. Ab clear, kabhi bhi ye language nahi likh sakte. You have to write as per the information provided to us. It appears that the borrower falls under this sub clause of RBI Master Circular of Fraudulent Transaction. It may be. It appears. It seems. It might be. You have to use this language. You strictly cannot write it is a fraud account as per this clause. No. Never write this language because you are not a judge. You are just providing your opinion. आप सिर्फ अपनी opinion दे रहे हैं कि हमको record के basis पे लगता है कि ऐसा है. Never write this is a fraud account because that can get you in trouble before the government agencies. वो सीधा सीधा कहेंगे कि आप ये आपने लिखा ये fraud account है. I'll give you a classic example again for this. We were doing a forensic audit for one of the companies whereby when we compared, हमारे पास एक आया transportation documents आया, एक good receipt note आया. ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स पे एक बंदे ने साइन, कंपनी वाले जिसने सामान भेजा उसने लिखा होता ट्रांसपोर्टेशन और साइन करे हुए थे. जो गुड रिसीव्ड था, जिसने गुड रिसीव करे थे, उसने भी वहां साइन करे हुए थे और लिखा होता. जब हमने दोनों वाउचर्स को कंपेयर करा, वी ऑब्जर्व दैट द राइटिंग ऑफ द गुड सेंडर एंड गुड रिसीवर वो सेम. मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे, मतलब ऑन द व्यू, वी ऑब्जर्व दैट द राइटिंग, हैंड राइटिंग वो सेम ऑफ द गुड रिसीवर एंड गुड सेंडर. नाउ अब हमने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा और बैंक ने आगे सीबीआई को क्या लिखा, आई विल टेल यू दैट. हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा ऑन रिव्यू ऑफ द गुड रिसीप्ट नोट एंड परचेज ऑर्डर, वी इट सीम्स दैट द राइटिंग ऑफ गुड रिसीवर एंड द सेंडर अपीयर्स टू बी सेम, हाउएवर सिंस वी आर नॉट अ राइटिंग एक्सपर्ट, वी आर अनेबल टू कंफर्म सच थिंग्स. मैंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा. अब बैंक ने जब सीबीआई में कंप्लेंट फाइल करी, एफआईआर फाइल करी, उसने वहां पे क्या लिखा, उसने लिखा एज पर द फॉरेंसिक ऑडिटर द राइटिंग ऑफ गुड सेंडर एंड रिसीवर आर सेम, हेंस दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट जेन्युइन. उसने अपनी एफआईआर में सर ये लिख के दिया, बकायदा ये लाइन लिखी. मेरे को बुलाए यूडब्ल्यू वाले ने, सीबीआई वाले ने. उसने मेरे से सबसे पहले पूछा, राहुल जी आप ये बताओ आर यू राइटिंग एक्सपर्ट, मैंने कहा नहीं सर. तो कहता हाउ कैन यू राइट दिस लाइन इन योर रिपोर्ट. तो जब उसने मेरे को लाइन दिखाई, मैंने कहा सर आप रिपोर्ट खोलिए मेरी, आप ये बताइए मैंने ये लाइन कहां पे लिखी है. जब हमने उसको रिपोर्ट पढ़वाई, उसमें साफ साफ लिखा था दैट इट सीम्स इट अपीयर्स हाउएवर द सेम कैन बी कंफर्म्ड ओनली बाय राइटिंग एक्सपर्ट. वो मेरे से पूछता है सर फिर बैंक वाले ने ये चीज कैसे लिखी. मैंने कहा सर आप ये चीज बैंक वाले से पूछिए, उसने ये चीज कैसे लिखी. सो राइटिंग, डूइंग अ फॉरेंसिक ऑडिट इज वन थिंग, बट राइटिंग अ रिपोर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू यूज द वर्ड सो दैट यू डू नॉट गेट इनटू ट्रबल इन फ्यूचर बिकॉज दीज फॉरेंसिक ऑडिट्स हैव अ लीगल इंप्लीकेशंस बिकॉज यूर reports will go to courts, they will go to ED, SFIO, EOW, CBI, everywhere it can go. You can be called, जैसे मेरे को भी 21st June को मेरी हैदराबाद में I have a date in CBI. So 21st June को I have to go to Hyderabad to attend a date in CBI, क्योंकि मैंने हैदराबाद के चार audit करे थे, forensic audit, and I have classified those accounts as fraud. So now CBI has called me to Hyderabad, now I have to go to Hyderabad to attend the date in CBI. तो इसलिए writing a report is a very important task. ऑडिट करना इज वन थिंग, बट राइटिंग अ रिपोर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन फॉरेंसिक ऑडिट. तो अगर आप पहली असाइनमेंट, दूसरी असाइनमेंट या 10th असाइनमेंट कर रहे हैं, प्लीज गेट योर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट वेरीफाइड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन 50 फॉरेंसिक ऑडिट्स, या जो ऑलरेडी फॉरेंसिक ऑडिट में काम कर चुका हो, प्लीज गेट योर रिपोर्ट रेड फ्रॉम दैट पर्सन टू अमेंड दैट लैंग्वेज.
जब मैंने अपनी पहली फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी, आई गॉट इट रेड फ्रॉम अ सीनियर, फ्रॉम समवन सीनियर, उसने मेरे को काफी अमेंडमेंट्स बताई थी। तो इसलिए अगर आप कोई भी फोरेंसिक ऑडिट करते हैं, प्लीज गेट योर रिपोर्ट रेड फ्रॉम समवन हु हैज ऑलरेडी डन फोरेंसिक ऑडिट्स, सो एज टू हैव अ बेटर क्लैरिटी। ये बात हुई हमारे रिसीवेबल्स की सर। ट्रेड पेबल्स में भी हमको सिमिलर चीज देखनी है, वी हैव टू वेरीफाई द परचेजेस, सेल्स परचेजेस। आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आप आइसगेट की वेबसाइट से जा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, यू कैन वेरीफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जैसे जोबा कॉर्प पे, यू हैव टू रिमेंबर टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, आपको कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट जरूर करना पड़ेगा सर व्हाइल डूइंग फॉरेंसिक ऑडिट टू आइडेंटिफाई वेदर देर आर एनी अदर अनरिलेटेड पार्टीज और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिव्यूइंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सर जब भी आप फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, यू शुड हैव अ हैंड्स ऑन नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होना कंपलसरी है सर। आप अगर आप कोई भी फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, AS2 इन्वेंट्री, AS10 फिक्स्ड एसेट्स, AS11 फॉरेन एक्सचेंज, AS13 इन्वेस्टमेंट्स, AS18, AS26, AS29, व्हाटएवर द केस में भी, आपको फॉरेंसिक ऑडिट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग पॉलिसीज की नॉलेज होना कंपलसरी है सर। देन ओनली यू विल एबल टू आइडेंटिफाई वेदर एक्चुअल में उसने करेक्ट करा। मैं गिव यू एन एग्जांपल, वी वर वेरीफाइंग द स्टॉक स्टेटमेंट्स ऑफ वन ऑफ द कंपनीज। जब हमने उसका स्टॉक रजिस्टर वेरीफाई करा, हमने देखा बुक्स में तो ही वॉज वैल्यूइंग स्टॉक एट अ मेथड ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट में जो वो बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट दे रहा था, ही वॉज वैल्यूइंग इट एट अ वैल्यू ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसने स्टॉक स्टेटमेंट में वैल्यूएशन का मेथड कुछ और रखा और बैलेंस शीट में वैल्यूएशन का मेथड कुछ और रखा। दिस वॉज अ क्लियर कट केस वेयर बाय ही वॉज ओवर स्टेटिंग स्टॉक बिफोर द मैनेजमेंट। उसकी क्वांटिटी वगैरह सब टैली कर रही थी सर, बट द रेट एट विच ही वॉज वैल्यूइंग स्टॉक, he was using the method LIFO at the time of submitting his stock statement and he was using the method of FIFO at the time of preparing his balance sheet. वो आपको कैसे पता लग सकता है? जब तक आपको AS2 की नॉलेज नहीं होगी, आपको नहीं पता लगेगा। I'll give you another example. AS suppose 29 है, contingencies for provisions. तो जब तक आपको नहीं identify होगा कि contingent liability उसने दिखाई या नहीं दिखाई अपनी balance sheet में, you will not be able to check whether uski he has made correct presentation in his balance sheet or not. AS13 humne ek case mein identify kara, he was well, humne ek yes bank se ek loan tha kisi company ko for the purpose of investment purposes, to make an investment in a third company. When we verified, we observed that jo uski investment ki value had, that should have been reduced multifold as per accounting standard 13. There was a permanent diminution in its value. लेकिन उसने उसकी इन्वेस्टमेंट को स्टिल अपनी कॉस्ट पे दिखाता रहा, इवन दो देयर वाज अ परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू, नॉट टेम्पररी बट परमानेंट। सो एज पर AS13, अगर आपकी परमानेंट डिमिनिशन होती है, आपको उस वैल्यू को उसको रीवैल्यू करना पड़ता है एट द एक्चुअल वैल्यू। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा था सर, तो उस केस में क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और नॉट, whether accounting policies have been followed or not. For that, you should have an understanding of all the accounting standards. While doing forensic audit, आपको accounting standards की knowledge होना compulsory है sir. जब तक आपको accounting standards की knowledge नहीं होगी, आप forensic audit नहीं कर सकते. Reason being, आपको AS2, investments, foreign exchange, consolidation, intangible assets, इन सब की valuation पता करना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने आपको इंटेंजिबल का बताया, मैं आपको इंटेंजिबल का एग्जांपल बता दूं फॉरेंसिक ऑडिट का। आई एम टॉकिंग अबाउट किंगफिशर। आपको पता है जो किंगफिशर की बर्ड है उसमें क्या फ्रॉड हुआ था, जो उसकी वैल्यूएशन में, किंगफिशर की जो बर्ड है, जो चिड़िया है, उसकी एक कंपनी ने वैल्यू करी थी 3200 करोड़ वैल्यूएशन, और एक कंपनी ने उसकी वैल्यू करी थी 1700 करोड़ रुपए, जो बर्ड, जो चिड़िया थी उसकी, किंगफिशर। बैंक ने जो फाइनेंसिंग करी थी वो करी थी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ 3200 करोड़। नाउ एज पर द वैल्यूएशन रूल्स, अगर आपकी वैल्यूएशन में 10% 20% से ज्यादा का वेरिएशन आता है, देन यू शुड कंपल्सरी हैव अ थर्ड वैल्यूएशन। सेकेंडली, अगर बैंक्स की वैल्यूएशन में वेरिएशन आता है, बैंक्स हैव टू प्रोवाइड फंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोअर वैल्यूएशन एंड नॉट द हायर वैल्यूएशन। तो जब उनका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, फॉरेंसिक ऑडिटर आइडेंटिफाइड कि बैंक्स ने हायर वैल्यूएशन पे इंटेंजिबल एसेट्स की, हायर वैल्यूएशन पे वो कर रखा है, फंडिंग कर रखी है, 3200 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग कर रखी है रादर देन 1700 करोड़। फॉर दैट यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरबीआई सर्कुलर एज वेल एज AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स। तो जब तक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सर नॉलेज नहीं होगी, आप फॉरेंसिक ऑडिट नहीं अंडरटेक कर सकते। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे अब इंड AS आ गए हैं, तो इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंड AS जो आप कर रहे हैं, इंड AS की नॉलेज आपको होनी कंपल्सरी है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एसर्टनिंग द मनी ट्रेल एंड एंड यूज ऑफ फंड्स। आप कोई भी फोरेंसिक ऑडिट करेंगे आपको उसमें प्रॉपर इनफ्लो एंड आउटफ्लो की डिटेल देनी पड़ेगी कि पैसा कहां से आया और कहां गया। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि जिन पार्टीज को वो डेटस क्रेडिटस दिखा रहा है क्या उन्हीं से पैसा आ रहा है या किसी और से आ रहा है, वेदर द फंड्स बीइंग रिसीव्ड आर फ्रॉम द डेटस ऑफ क्रेडिटर ऑफ समवन एल्स। वी अंडरटूक एन ऑडिट अराउंड 2 months बैक, दे वर हैविंग अ डेटस ऑफ 100 करोड़ इन देयर बैलेंस शीट, बट जब हमने उनकी बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करा वी ऑब्जर्व दैट दे वर इवन दो दे वर रिसीविंग रेगुलर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन देयर बैंक स्टेटमेंट, बट जो पैसा आ रहा था जा रहा था वो सिर्फ उनकी दो रिलेटेड पार्टी से पैसा आ रहा था और उसको जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, देयर वाज नो रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। दे वर शोइंग द मूवमेंट इन बैंक स्टेटमेंट जस्ट टू शो मूवमेंट सो दैट दे कैन सर्विस देयर इंटरेस्ट, नथिंग एल्स, दे वर नॉट रिकवरिंग मनी फ्रॉम द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर द परसेंटेज ऑफ सेल्स वर्सेस परसेंटेज ऑफ रिकवरी बीइंग मेड। आपको पहले पूरी सेल्स की डिटेल बनानी पड़ेगी, जो हमने जैसे क्लॉज नंबर 2 में सेल्स को वेरीफाई करा, आपको पार्टी वाइज सेल्स की डिटेल बनानी पड़ेगी। यू हैव टू कंपेयर, आपको बैंक स्टेटमेंट को पूरा चर्न आउट करना पड़ेगा, आपको बैंक स्टेटमेंट जो आपको आएगी आपको उसको पूरा इनफ्लो एंड पार्टी वाइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो बनाना पड़ेगा। देन यू हैव टू कंपेयर द परसेंटेज ऑफ सेल्स विद परसेंटेज ऑफ फंड्स दैट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम दैट मनी। सपोज अगर एक बंदा है ए, उसको हमने सेल करी 100 करोड़ की, जब हमने बैंक स्टेटमेंट कंपेयर करी हमने देखा बैंक स्टेटमेंट में ए से पैसे आए हैं 80 करोड़ रुपए। In that case, you have to see कि whether debtors जो हमारे 20 crores है, they tally that 80 plus 20 is equal to 100 हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि 80 पैसा आया, 20 लेना है और 100 crores हमारा sales है। आपको वो पूरी movement check करनी पड़ेगी in the bank statement. Analysis of bank statement is one of the major points जो आपको check करना पड़ेगा। Whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned. अब ये चीज सर कारों में भी आ गई है, तो अगर आप कारों का चेक करेंगे कि जब हमने जैसे क्लॉज नंबर 9 पढ़ा था सर्कल, whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned, ये forensic audit से ही उठाया सर इन्होंने एक loss, क्योंकि forensic audit में you have to check the money trail and end use of funds have to be checked, so this concept has been picked up from forensic audit only, कि whereby we are verifying whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned, so forensic audit में तो करना ही करना है, now this concept has been included in statutory audit as well. ये वाला पॉइंट है सर, डू एग्जामिंग रूटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट्स अदर देन द मेंबर बैंक अकाउंट्स। इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, मैं कल इसका बैकग्राउंड नहीं बता पाया था मैं। सर जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस केस में जिस भी बैंक से हम लोन लेते हैं उसके सैंक्शन लेटर में मेंशन होता है कि द फंड्स हैव टू बी, जो आपकी मूवमेंट रूटिंग ऑफ फंड्स है दैट इज टू बी डन थ्रू ओनली दैट बैंक अकाउंट। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आपने स्टेट बैंक और पीएनबी बैंक से लोन लिया हुआ है, कंसोर्शियम लोन है, पीएनबी और स्टेट बैंक के सेंक्शन लेटर को अगर आप पढ़ेंगे उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपके जो पैसे की मूवमेंट है दैट कैन ओनली बी अंडरटेकन थ्रू स्टेट बैंक एंड पीएनबी, उसके अलावा आप किसी बैंक से नहीं कर सकते डीलिंग। अगर आपने उसके अलावा कोई भी बैंक अकाउंट खोला, यू हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम स्टेट बैंक एंड पीएनबी, आपको प्रायर परमिशन लेनी जरूरी है। इन केस यू हैव नॉट टेकन प्रायर परमिशन फ्रॉम देम, दैट विल बी कंसीडर्ड एज डायवर्जन ऑफ फंड्स। Routing of funds through other than the member bank accounts is considered as diversion of funds. ये देखिए सर, ये सर्कुलर मैंने खोला हुआ है अभी भी। Diversion of funds की definition है, routing of funds through any other bank account other than the lender bank account is considered as diversion of funds without approval from the lenders. तो अगर आपके क्लाइंट ने कोई भी बैंक अकाउंट खोला है without the approval for routing of transaction, that is considered as diversion of fund. अब इसके अंदर दो चीजें हैं सर। If the funds being routed through in the other bank account are for business purposes, then it is considered diversion. However, if the funds being routed through such bank account are not for business purposes, then it is considered as fraud. You have to differentiate between what is diversion of funds and what is fraud. अगर diversion होता है, उस case में bank उसको willful defaulter declare कर देते हैं। But अगर fraud होता है, उस case में banks they transfer the case to government agencies such as CBI and UW. तो आप जब भी कोई फोरेंसिक ऑडिट करेंगे अगर उसका बैंक अकाउंट्स आउटसाइड कंसोर्शियम है, इट इज नॉट श्योर दैट दैट विल बी फ्रॉड और नॉट। आपको वो चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज फ्रॉड और डायवर्जन। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ। इवन दो योर क्लाइंट हैज बैंक्स आउटसाइड कंसोर्शियम, यू हैव टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज डायवर्जन और फ्रॉड। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डेटर्स का मैंने आपको बता दिया। कमेंटिंग ऑन ट्रांजेक्शन विच आर नॉट एट आर्म्स लेंथ, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सर। सपोज करिए आप किसी कंपनी का स्टॉक रजिस्टर वेरीफाई कर रहे हैं,
या आपने जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में भी डिस्कस करा होगा कि यू हैव टू एंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन आर डन एट आर्म्स लेंथ। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन है सर, कि हमने एक रिलेटेड पार्टी को तो 10% पे दिया हुआ है और अनरिलेटेड को हम 15% पे लोन दे रहे हैं, दैट इज अ केस वेयर बाय ट्रांजेक्शन माइट नॉट बी एट एन आर्म्स लेंथ। सेकेंड केस, सपोज आप स्टॉक रजिस्टर कंपेयर करते हैं, हमारे केस में ऐसा ही हुआ सर, हमने एक कंपनी का स्टॉक रजिस्टर कंपेयर करा, उसके अंदर हमने पर यूनिट, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज बासमती राइस है फॉर एन एग्जांपल, हमने बासमती राइस का रेट कैलकुलेट करा, वी ऑब्जर्व कि रिलेटेड पार्टी को तो वो दे रहा है 30 रुपए पर केजी पे, बट अनरिलेटेड पार्टी को ही इज मेकिंग अ सेल एट 70 रुपीज पर केजी, 80 रुपीज पर केजी। उस केस में क्या हुआ, ही वॉज प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट टू द रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज में वो अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा था, कैसे कर रहा था, बाय शोइंग एन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ केसेस, अगर सपोज करिए आपने किसी को लोन दिया है, दैट कैन बी एन अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड ट्रांजेक्शन, आपने किसी को सेल परचेज करी है, दैट कैन बी अ केस ऑफ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड ट्रांजेक्शन। सो यू हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरी आइटम इन द बैलेंस शीट टू चेक वेदर द ट्रांजेक्शन आर डन एट आर्म्स लेंथ और नॉट। अब जैसे मैंने स्टॉक रजिस्टर आपको क्लासिक एग्जाम्पल बताया, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक रजिस्टर कंपेयर करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट एट वॉट रेट एन आइटम इज बींग सोल्ड टू अ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड पार्टी, then you will be able to identify whether it is at arm's length or not. Hamara next point aata hai, details of substantial debt raised in sister concern group companies. Agar hamari sister concern group companies mein koi amount raised hai, we have to check that whether AS 18 ka compliance hai ki nahi, accounting standard 18. We have to verify whether proper disclosures as per the Companies Act section 185, 186, 188 have been made or not. So all these things, aapko Companies Act ki bhi knowledge honi padegi to identify whether proper disclosures have been made or not. As per the accounting standards, movement of unsecured loan is a similar point to promoter contribution. So, agar aapke kisi bhi company mein unsecured loan aaya hai, you have to check whether the contribution is genuine or not. The promoter contribution, you have to verify that thing. Ki in case the promoter contribution is not genuine, we have to verify that thing whether it is genuine or not. Fir next point aata hai, discrete transaction of unit and promoter. Isme zyada kuch nahi hai sir. तो ये हमारा हुआ जो थोड़ा थोड़ा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है स्कोप ऑफ वर्क ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। आपने इसमें देखा होगा, वी आर कंपेयरिंग द सेल्स, वी आर कंपेयरिंग द परचेजेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, शेयर कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हमारा फोरेंसिक ऑडिट में मेन फोकस रहता है टू वेरीफाई ईच एंड एवरी आइटम, टू चेक वेदर द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर प्रॉपरली बीइंग शोन और नॉट, वेदर द स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड टू द बैंक्स आर करेक्ट और नॉट, वेदर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द बैंक्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। ये सारे एग्जांपल जैसे मैंने आपको गेट पास रजिस्टर का बताया, सर सर्कुलर सेल्स का बताया, आपको साइट बताई zobacorp.com, यू कैन कंपेयर टू आइडेंटिफाई। व्हाइल डूइंग फोरेंसिक ऑडिट यू हैव टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वील, आपको इनडायरेक्ट रिलेशंस को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टू चेक वेदर देयर इज एनी इनडायरेक्ट रिलेशन और नॉट। तो इसमें सर अगर हमारी अभी क्वेरीज है फोरेंसिक ऑडिट पे हम ले सकते हैं, वरना फिर मैं आपको थोड़ा आईबीए का और ट्रांजेक्शन ऑडिट का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसमें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज वी कैन टेक द क्वेरीज। Forensic auditor has to appear in court. One Mr. Ketan Negandhi is asking. Yes sir, he has to appear. अगर आपकी report court में गई है, उसमें मैं आपको procedure बता देता हूँ। Directly आपको court नहीं बुलाएगा। उसमें क्या होता है? Suppose you have classified an account as fraud. तो जैसे ही आपने account को fraud classify करा, उस केस में आपकी जो report है, वो CBI के पास जाएगी। Then CBI will make you a witness. वो आपकी एक statement record करेंगे as a witness. आपकी बकायदा CBI में जाके statement record होती है। Your statement then it will be filed in a court. जैसे अगर उन्होंने सीबीआई ने एफआईआर फाइल करनी है, योर रिपोर्ट एंड योर स्टेटमेंट विल बी फाइल्ड इन अ कोर्ट, जिस भी कोर्ट में केस लगेगा उस कोर्ट में दे कैन कॉल यू एज अ विटनेस टू आस्क यू वेदर ये स्टेटमेंट आपने दी है या नहीं दी है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट, देन कोर्ट कैन कॉल यू, नो डाउट आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा सर। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर गिरीश गाला ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डाइवर्सन ऑफ फंड्स, इफ द बोरोअर ओपन्स अ सेविंग्स बैंक अकाउंट विद नॉट अ लेंडर बैंक for his personal needs, not connected business, then will it amount to diversion? Sir, सबसे पहले तो corporate जिनका भी loan होता है ना, उनका saving account खुलता ही नहीं है, तो अगर director ने अपने personal level पे saving account खोला है, तो that is not an issue. जहाँ तक बात रही, अगर current account खोला है, any account which has a PAN number of the company, और उसमें कोई भी transaction हो रही है, that is appearing in the balance sheet, they have to take an approval, क्योंकि कल को वो account misuse हो सकता है. So it is better, even if it's for personal need or whatever the case may be, आपके कॉर्पोरेट का तो सबसे पहले करंट अकाउंट खुलेगा सर, सेविंग नहीं खुलेगा, और करंट अकाउंट भी अगर आपने ओपन कर रखा है, यू हैव टू टेक परमिशन। सर वी कैन, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, वी कैन कंटिन्यू अप टू 12:30, नो प्रॉब्लम।
इसमें मैं आपको एक वो उसकी डिटेल बताता हूँ सर, अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, जैसे मैंने आपको फॉरेंसिक ऑडिट का बताया, नाउ आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द स्कोप ऑफ वर्क गिवन बाय आरपीज, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का स्कोप देते हैं, उसका मैं आपको 10-15 मिनट बता के बता दूंगा, बाकी इसमें जो मैंने आपसे डिस्कशन करी एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। ये आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन विद द स्टडी सर्कल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई टेल यू आईबीए का कैसे प्रोसीजर रहता है सर। आईबीए साल में एक बार, एक है इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA.org करके है, इंडियन बैंक एसोसिएशन साल में एक बार इंपैनलमेंट के लिए निकालता है फर्म्स का फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। दे हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दैट, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, योर फर्म शुड बी 10 years ओल्ड, आपकी 10 साल पुरानी फर्म होनी चाहिए, यू शुड हैव 5 partners, आपके 5 partner होने चाहिए जिसमें से 3 के पास फॉरेंसिक ऑडिट कोर्स की वो होनी चाहिए सर्टिफिकेट, जैसे सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर हो गया या फिर आपका वो हो गया CFE का कोर्स हो गया, एक सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर या FAFD जो इंस्टीट्यूट हमारा कराता है फॉरेंसिक ऑडिट डिवीजन का। तो आपके पास 5 partner होने चाहिए, 5 में से 3 के पास FAFD की डिग्री होनी चाहिए, योर फर्म शुड बी 10 years ओल्ड। वंस यू कंप्लीट दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे चार्ज अ फीस ऑफ अराउंड 1,25,000 फॉर एम्पैनलमेंट। उनकी दो लिस्ट होती है सर उसमें आईबीए की भी, वन इज अबव 50 crores एंड वन इज बिलो 50 crores, दो लिस्ट होती है आईबीए की। उसमें क्या होता है सर, अबव 50 crores में आपको जो जिन बोरोज का आउटस्टैंडिंग अबव 50 crores होता है वो वाले एम्पैनल होती है फर्म्स, और बिलो 50 crores में जिन बोरोज का 50 crores से नीचे बैलेंस होता है उनमें वो वाली फर्म्स एम्पैनल होती है। तो दोनों की फीस है 1.25 lakhs, 1,25,000 ईच। बाय चांस अगर आपका इम्पैनल नहीं होता देन 25,000 rupees काट के आपको 1 lakh rupees वापस मिल जाते हैं, तो 25,000 इज अ नॉन रिफंडेबल फीस दैट यू हैव टू पे। आईबीए की इम्पैनलमेंट जो है वो साल में एक बार ही खुलती है, और वो इम्पैनलमेंट अभी खुलने वाली है, जून एंड में खुलेगी या फिर जुलाई में खुलने वाली है, क्योंकि इन्होंने कोविड के कारण 1.5 साल से इम्पैनलमेंट करी खोली ही नहीं है इन्होंने, बट जून एंड में या जुलाई में वो इम्पैनलमेंट अभी खुलने वाली है। तो आप प्लीज चेक द वेबसाइट ऑफ आईबीए, आप रेगुलरली उसको चेक करते रहिए ताकि आपको पता लगे कि वो इम्पैनलमेंट खुली, इट इज ओपन फॉर अराउंड 15-20 days एंड दैट ओपन ओनली वंस अ ईयर। वंस यू आर इम्पैनल्ड इन आईबीए, एक बार आपकी आईबीए में इम्पैनलमेंट हो गई then you automatically get impaneled in all the banks. वो जो IBA impanelment करता है list, वो सारी list सारे banks को circulate कर देता है, public sector banks को, not the private. Private में आपको directly approach करना पड़ेगा। जितने भी public sector banks है they follow the IBA list, जो भी IBA की list है उसको follow करते हैं। तो आपको IBA की list, once you are impaneled in IBA, what you have to do, then you have to personally visit the banks. Reason being, अगर किसी bank के पास forensic audit आता है, वो बिड्स के लिए भेजता है, वो अपने अपने हिसाब से ही 5, 6, 10 firms को सिलेक्ट करके उनको बिडिंग के लिए भेजता है। सो टू गेट योर सेल्फ इन दैट 5 to 10 list, आपको पर्सनली बैंक को विजिट करना पड़ेगा, सो दैट बैंक्स कॉल बिड्स फ्रॉम यू। जो भी फॉरेंसिक ऑडिट अलॉट होता है दैट इज ओनली डन ऑन बिडिंग बेसिस एंड नथिंग एल्स, उसमें सिर्फ बिडिंग होती है, नथिंग एल्स, आपको बिडिंग बेसिस पे ही मिलेगा, आपको अपफ्रंट जाके कोई काम नहीं मिल सकता आज के डेट में। तो ये हमारा थोड़ा प्रोसीजर रहता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू गेट योर फर्म इंपैनल्ड इन आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन में, उसमें इंपैनलमेंट के बाद ओनली देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक फॉरेंसिक ऑडिट, चाहे आपके पास जितने भी पार्टनर्स हो, जितना भी आपने काम करा हो, अनलेस एंड अंटिल यू आर इंपैनल्ड इन आईबीए यू कैन नॉट गेट फॉरेंसिक ऑडिट। तो अगर आप में से किसी को भी फॉरेंसिक ऑडिट लेना है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ इंपैनल्ड इन आईबीए। दिस इज अबाउट इंपैनलमेंट। अब मैं आपसे फॉरेंसिक ऑडिट की कंटिन्यूएशन में ही हमारा एक होता है ट्रांजेक्शन ऑडिट। आपको पता है जो भी अगर हमारी कंपनी एनसीएलटी में एडमिट होती है, एनसीएलटी में एडमिट होने के बाद उस कंपनी में एक ट्रांजैक्शन ऑडिट करवाना होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को। अगर आप में से कोई भी आरपी है या कर रहा है आरपी का कोर्स, दे मस्ट बी नोइंग दैट। उसके अंदर हमको 4 sections के अंदर रिपोर्ट करना होता है सर। व्हाट आर दोस 4 sections? सेक्शन 43, सेक्शन 45, सेक्शन 50 एंड सेक्शन 66। सेक्शन 43 इज रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस, सेक्शन 45 इज रिगार्डिंग अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, सेक्शन 50 इज रिगार्डिंग एक्सट्रॉशनेट क्रेडिट एंड सेक्शन 66 इज रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। अब ये 4 sections से क्या कहते हैं, एक आता है हमारा सेक्शन 43 विच इज रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें हमारा मेन पर्पज रहता है टू आइडेंटिफाई वेदर एनी प्रेफरेंस इज गिवन टू एनीवन और नॉट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक हमारी कंपनी है जिसमें हमारा आउटस्टैंडिंग लोन आ रहा था सर। उसमें हमारा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लोन आ रहा था, उसमें हमने क्या करा, हमने उसको लोन को रीपे कर दिया सर। सपोज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस इज टू बी टेकन 2 years प्रायर टू डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज हमारी कंपनी है 31st March 2021 को इंसॉल्वेंसी में एडमिट होगी एनसीएलटी में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग।
our company got admitted under insolvency in NCLT on 31st March 21. So for the purpose of preferential, undervalued and extortionate transaction, आपको जो ऑडिट करना है वो करना है 2 years prior to such date for related parties and 1 year prior to such date for unrelated parties. मतलब अगर 31st March 21 में एडमिट हुई है वो कंपनी, तो आपका जो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका पीरियड होगा 1st April 19 से लेकर 31st March 21 for related parties and 1st April 20 से 31st March 21 for unrelated parties. Similar thing is for undervalued and extortionate. For the purpose of fraudulent transaction, no time period has been defined by them under Section 66. Section 66 में उन्होंने कोई time period defined नहीं करा है. वापिस अब हम आते हैं preferential transaction में. What do you mean by preferential transaction? सर, preferential transactions में हमारा आता है, सबसे पहले हमको लेना 2 years for unrelated for related parties. This means 1st April 19 से लेकर 31st March 21 तक हमको लेना है related parties. And 1st April 20 से 31st March 21 लेना है for unrelated parties. अब आते हैं हम question पे. जैसे suppose करिए एक company है जिससे हमने loan लिया हुआ था, हमने क्या करा, वो related company थी, हमने 1st April 19 से 31st March 21 के बीच में उसके loan को repay कर दिया सर, उसके unsecured loan को repay कर दिया. This will fall under the definition of preferential transaction whereby we have given a preference to someone else over the secured lenders. Basically, whenever we are giving preference to any other person over the secured lenders, that will be considered as a preferential transaction. However, इसके अंदर सर एक exception है, section 43(2). वो exception क्या कहती है? If we are making payment for business purposes, जैसे अगर हमारे कोई creditors खड़े हैं जिनसे हम sales purchase कर रहे हैं, अगर हम किसी creditor को payment करते हैं, in that case, it will not be considered as a preferential transaction, but a transaction in normal course of business. तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है whether it is a normal business transaction or some preference has been given. जैसे अगर किसी का loan outstanding है पुराना, अगर हम किसी का loan outstanding पुराना repay कर देते हैं, that will be considered as a preferential transaction. Secondly, अगर हम किसी को, जैसे किसी के balance advance outstanding है, किसी का और कोई balance खड़ा है, उसको अगर हम repay कर देते हैं, that will be considered as preferential. जैसे अगर हमने expose किसी creditor का भी 10 साल पुराना balance खड़ा है, हमने उसको repay कर दिया, that will be considered as preferential. But अगर कोई ऐसी पार्टी है जिससे हम रेगुलर सेल परचेस कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग पेमेंट टू हिम इवन इफ विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years और 1 year, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. तो आवर मेन एम अंडर सेक्शन 43 इज टू आइडेंटिफाई वेदर एनी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस आर बीइंग अंडरटेकन बाय देम और नॉट, वेदर एनी प्रेफरेंस इज बीइंग गिवन टू देम और नॉट. इफ इट इज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ प्रेफरेंशियल. इफ इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इफ इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, then you have to check 2 years for related parties and 1 year for unrelated party. Second, hamara aata hai section 45, which is undervalued transaction. Undervalued transaction kaise hota hai? Suppose kariye aapki company mein ek car hai, suppose ek innova car hai aapki company mein. Ab bande ne kya kara, usko pata hai uski company insolvency mein admit hone wali hai, suppose it is pending, the application is pending. What he did was he sold his innova car which he bought for 50 lakhs for a amount of 2 lakh rupees. Usne 2 lakh rupees mein wo gaadi bech di. कोई फ्लैट है, सपोज कंपनी में कोई फ्लैट है, फ्लैट वैल्यू वाज 2 crores, बट जस्ट प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट ही सोल्ड दैट फ्लैट फॉर एन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीस. इस केस में आपको क्या करना है, आपको उस डेटर, कॉर्पोरेट डेटर से, उस मैनेजमेंट से, यू विल हैव टू आस्क देम टू प्रोवाइड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच सच सेल हैज बीन मेड. कोई भी एसेट हो, व्हाटएवर एसेट इट मे बी, यू हैव टू आस्क देम टू प्रोवाइड यू अ वैल्यूएशन रिपोर्ट. अगर वो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट दे देता है, then only you have to satisfy yourself that it is, whether it is an undervalued or an overvalued transaction. Agar aapko wo gaadi ki or flat ki valuation report de deta hai and you are satisfied that it is a transaction which has been done at a normal course of business, then it is fine. But if it is, he is not able to provide you a valuation report, then you can report such transaction under undervalued transaction. Iska ek aur example, jaise maine abhi aapko stock register ka bataya tha sir, arm's length wala. Agar aapki company sales purchase kar rahi hai, and it is, and there is a huge difference in rate at which sales are being made to related and unrelated party, there is a high chance that the transaction might fall under the category of undervalued transaction. Example ke taur par suppose main rice ki hi baat karta hu, kisi ek bande ko hum rice sell kar rahe hain 100 rupees pe, but related party ko we are making a sale at 30 rupees. In that case 70 rupees will be an undervalued transaction. To aapko yahan pe 70 rupees state karna hai sir, is section mein, section 45 mein, that 70 rupees is an undervalued transaction. So I am talking about stock,
I'm talking about any fixed assets, any asset that is being sold, whether it be stock, fixed assets or anything. Aapne investment bhi bechi ho. Anything that is being sold, you have to check whether such sale is being made at an arm's length price or not. If it is not at arm's length price, it will fall under section 45 of undervalued transaction, whereby sales have not been made at a correct value. So aapko identify karna padega whether the sales have been made at arm's length or not. So this is regarding section 45. 43 mein kya tha? Preferential transactions, whereby preference is given to someone else over the secured creditors, over the bankers. Second mein, sales are being made at a rate which is lower than the arm's length price. Humne arm's length price se niche pe becha usko. Preferential. Next hamara aata hai, section 50, extortionate credit transaction. Now, what do you mean by extortionate credit transaction? Let me explain you. Suppose hamara state bank se loan chal raha hai 12% pe. At 12% per annum pe hamara ek loan chal raha hai. हमने क्या करा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टू इयर्स हमने किसी बंदे से लोन लिया एट अ रेट ऑफ सपोज 20% हमने 20% पे लोन लिया या फिर हमारा स्टेट बैंक का लोन चल रहा है 10 साल का हमने किसी बंदे से लोन लिया वी टुक अ लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year सो वेयर बाय द टर्म्स एंड एक्सट्रॉशनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स हमने कोई नया लोन ऐसा लिया है whose terms and condition of such loan are such that which are giving which are exorbitant in nature. Exorbitant का क्या मतलब होता है? कि rate of interest बहुत high है, उसकी repayment terms बहुत जल्दी हैं, उसकी security interest बहुत ज़्यादा create करी है, मतलब against a loan of 100 rupees, we have provided a security of 300 rupees. मतलब as compared to your already secured creditors, the terms and condition of such debt are exorbitant in nature. मतलब they are prejudicial to that company, whereby the interest rate is very high. The repayment terms are such that it is being paid within a period of 2 years, whereby the existing lenders are being paid in a period of 10 years. Existing lenders ki security ratio hai 100%, but jo naya debt aaya hai, uski security ratio hai 300%. So whenever you identify such type of transaction, whereby jaise loan hamara state bank ka hai 12% pe, humne isse liya hai 24% pe. So इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि सर हमने बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया बट दैट विल नॉट फॉल अंडर दिस प्रिविलेज आपको ये देखना है कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच लोन आर सच दैट वेयर बाय बेनिफिट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एनी अदर कंपनी वेयर बाय बेनिफिट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एनी अदर पर्सन फ्रॉम हूम डेट इज बीइंग टेकन वेदर इट बी इन फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रीपेमेंट टर्म्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट और वट एवर द केस में भी तो दिस इज रिगार्डिंग एक्सट्रॉशनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन सेक्शन 50 और लास्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 66 नाउ व्हाट द सेक्शन 66 सेज इन्होंने ना तो कोई पीरियड डिफाइन करा है ना स्कोप डिफाइन करा है फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन मींस एनी ट्रांजेक्शंस व्हिच इज बीइंग डन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी जो हमने डिफ्रॉड करने की कोशिश करी है तो इसके लिए हमारा जो हमने फॉरेंसिक ऑडिट का भी स्कोप डिस्कस करा था सेल्स परचेज डेटर्स कैपिटल मूवमेंट इन अनसिक्योर्ड लोन्स लोन्स एंड एडवांसेस वो सारा स्कोप हमारा सेक्शन 66 में आ जाता है सर So according to me, transaction audit is a much wider audit as compared to forensic audit. क्योंकि आपका section 66 में they have not defined any scope, any time period. It covers each and everything of each and every item of your balance sheet. But आपके जो forensic audit में है, they have specified a defined scope. कि भी आपको ये check करना है, ये जो आपको bank scope देगा forensic में आपको वो check करना है. But for the purpose of transaction audit, they have specifically provided 4 sections. क्या है sir? Preferential, undervalued, extortionate and fraudulent. फ्रॉडुलेंट के अंदर दे हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी स्कोप एनीथिंग तो आपको उस फ्रॉडुलेंट को चेक करना है एंड यू हैव टू वेरीफाई दोस थिंग्स आई होप दिस इज क्लियर दिस इज अबाउट योर स्कोप दैट इज बीइंग गिवन इन ट्रांजैक्शन ऑडिट बाय द वेरियस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स टू यू तो हमारा ये ऊपर हमारा फॉरेंसिक ऑडिट का स्कोप था नीचे हमारा है ट्रांजेक्शन ऑडिट का स्कोप इसके अलावा जैसे मैंने आपको सेल्स परचेज का बताया इम्प्रॉपर वैल्यूएशंस का बताया ये सारी चीजें हैं मैं आपको एक दो एग्जांपल्स अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं जैसे मैं आपको डिस्कस करता हूं रोटोमैक का मैंने आपको बताया आईएलएनएफएस का हमने कल डिस्कस करा था पीएमसी बैंक का करा था नीरव मोदी वाला एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं सर नीरव मोदी वाला एग्जांपल में क्या हुआ था उसमें हमारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग थी सपोज मैं नीरव मोदी हूं आई अप्रोच पीएनबी मैं उनको कहता हूं कि सर मेरे को ना बाहर से गुड्स इंपोर्ट करने हैं और उनको आगे मैंने सेल करना है उस केस में क्या हुआ कि मैंने पीएनबी बैंक दिल्ली में अप्रोच करा कि आई वांट टू इंपोर्ट सम गुड्स इन फॉरेन कंट्री और वहां से मेरे को वो गुड्स आगे एक्सपोर्ट करने हैं मैं आई अप्रोच पीएनबी कि आप मेरे को एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दीजिए
सो फॉर द पर्पज ऑफ दैट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पीएनबी ने अपने बाहर वाले बैंक को कहा कि आप इनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दीजिए. तो फॉर द इशू ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे टेक सिक्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट, वो एफडी की सिक्योरिटी लेते हैं. एफडी की सिक्योरिटी के लिए वो उस एफडी की सिक्योरिटी जो उनकी होती है दैट इज ए 100% मार्जिन, वो 100% मार्जिन लेते हैं सिक्योरिटी का. इस केस में क्या हुआ, बैंक्स ने सिक्योरिटी ली ही नहीं. रीजन बीइंग जो भी ट्रांजेक्शन एंटर हो रही थी दैट वर आउटसाइड द सीबीएस. सीबीएस क्या होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम होता है. तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही थी दैट वर सिंस दे वर आउटसाइड द सीबीएस, किसी को पता ही नहीं था कि ये ट्रांजेक्शन हो रही है. उसमें एक कोड जनरेट होता है, वो कोड क्या होता है, दैट कोड इज सेंड टू द फॉरेन बैंक टू एंश्योर द जेन्युइननेस. मैं आपको इसकी ना प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन. मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा दूं, एक नीरव मोदी वाली. उसमें ना कोड जनरेट होता है, वो कोड जब जनरेट होता है वो हम बाहर वाले बैंक को देते हैं सो एज टू एंश्योर द जेन्युइननेस. इस केस में क्या हुआ, जो बंदा पीएनबी बैंक में बैठा था he was the sole banker, he was a maker checker, मतलब वही बंदा उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहा था एंड वही बंदा उस ट्रांजेक्शन को बना रहा था और वही उसको अप्रूव कर रहा था. लेट मी शो यू द एग्जांपल. ये रहा सर, सो इसमें क्या था, नीरव मोदी वांटेड टू इंपोर्ट सम डायमंड्स. उसने क्या करा, पीएनबी बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाई. लेंडर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है सर, इसमें बैंक कहता है कि अगर कस्टमर पैसे नहीं देगा तो उसके बिहाफ पे मैं पैसे दूंगा आपको, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. उसमें क्या हुआ, ही अप्रोच द बैंक, उसमें एक स्विफ्ट कोड जनरेट होता है. स्विफ्ट कोड क्या होता है, अगर पीएनबी बैंक दिल्ली से बाहर वाले बैंक को पीएनबी कोड स्विफ्ट कोड दे देता है उस केस में इट इज अ जेन्युइन ट्रांजेक्शन, क्योंकि स्विफ्ट कोड इनके सीबीएस से ही जनरेट होता है, इनके सॉफ्टवेयर से ही जनरेट होता है. तो पीएनबी बैंक में उस स्विफ्ट कोड जनरेट हुआ, उन्होंने बाहर वाले बैंक को दिया, उसके बेसिस पे उसने इंपोर्ट करे गुड्स और आगे जाके सेल करे. अब इस केस में क्या हुआ, इवन दो ही वाज इंपोर्टिंग गुड्स ही वाज नॉट मेकिंग एनी पेमेंट टू बैंक्स, उसने बैंक को एक भी पेमेंट नहीं दी. जब उसकी एलओयू की डेट ऑफ फ्री पेमेंट आई, उसने क्या करा, बैंक से नई लिमिट ले ली. जैसे कल हमने सर पढ़ा था रिगार्डिंग एवरग्रीनिंग ऑफ अकाउंट, कि पुराने लोन को खत्म करने के लिए हमने नया लोन दे दिया. इस केस में क्या हुआ, पुरानी एलओयू को खत्म करने के लिए हमने बैंक ने उसको नई एलओयू दे दी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. सपोज अगर हमारी 100 करोड़ की एलओयू थी तो बैंक ने क्या करा, उसको 200 करोड़ की एलओयू दे दी, जिससे 100 तो पुरानी एडजस्ट कर ली और 100 नहीं दे दी. ऐसे कर करके ये सारी रोल ओवर होती गई, इट वेंट ऑन रोल ओवरिंग. ये जो फ्रॉड है ये कब आइडेंटिफाई हुआ, जब वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो था पीएनबी का उसने रिजाइन करा, उसके बजाय कोई नया एम्प्लॉय आया, उसने उनसे डिटेल मांगी कि भी आप हमको डिटेल दीजिए, कि भी आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, एफडीआर दीजिए आप हमको. तो कंपनी ने कहा जी हमने आज तक तो कोई एफडीआर दी नहीं. तो जब जो नया एम्प्लॉय आया उसने चेक करा, ही ऑब्जर्व दैट 12,000-13,000 करोड़ की एलओयूज इशू हुई है विदाउट एनी सिक्योरिटी, देयर वाज नो कैश मार्जिन, नो एफडीआर, इट वाज जस्ट दैट इट वाज बीइंग रोल ओवर, देयर वर अ नंबर ऑफ न्यू एलओयूज वर बीइंग इशूड. तो इस केस में क्या हुआ, देयर वाज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेकर चेकर. एक ही बंदा एलओयूज खोल रहा था, एक ही बंदा उसको अप्रूव कर रहा था और एक ही बंदा उसको साइन कर रहा था, बिकॉज ही हैड ऑल द लॉगिन आईडीज ऑफ द बैंक. So this was the fraud which happened in your Nirav Modi scam. इसके बाद है एक मैं आपको सत्यम वाला भी बताया, तो सत्यम वाले में क्या हुआ था, सत्यम वाले में they were overstating their cash and bank balance by 5,000 crores. सर 5,000 crores से they were overstating their balances. मैंने यहाँ पे summary दे रखी है नीचे. They were overstating their balances by 5,000 crores. कैसे कर रहे थे सर वो? What they were doing was they were showing fake sales. उन्होंने अपनी fake sales दिखाई थी सर. फेक सेल्स में कैसे, दे वर शोइंग सेल्स इन देयर बैलेंस शीट और उन फेक सेल्स को कैश को दिखा के दे वर शोइंग रिसिप्ट इन द बैंक्स और बैंक्स में उसके अगेंस्ट वो एफडीआर दिखा रहे थे सर. एफडीआर को जब वो दिखाते थे तो उससे क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफडीआर दे वर एबल टू अवेल हायर बैंक फाइनेंसिंग और उनकी बैलेंस शीट बहुत ग्रीनी बैलेंस शीट लग रही थी, वेयर बाय दे वर होल्डिंग अ एफडीआर ऑफ 5,000 करोड़, इवन दो इन एक्चुअल उनकी 200-300 करोड़ की ही एफडीआर थी. सेकेंडली व्हाट दे वर डूइंग, they were showing expenses, fake expenses were being shown by them, ki monthly he was withdrawing 20 crore rupees per month of in name of employees. Is company mein 13,000 non-existent employees ke naam pe salary withdraw ho rahi thi, 13,000 non-existent employees, they were booking expenses of 20 crores per month for such employees.
And lastly, they were showing interest expenses, interest accrued but not due. जैसे उन्होंने FDR दिखाई, उसके against वो interest book कर रहे थे. So in totality, they were showing an overstated balance sheet by around 7,000 crores. उस 7,000 crores से अपनी balance sheet overstate कर रहे थे sir. This is regarding Satyam. Rotomac का मैंने आपको बताया packing credit वाला. Kingfisher का मैंने आपको बताया Kingfisher में क्या कर रहा था sir वो. He was leasing planes. वो अपने planes lease कर रहा था बाहर से. उसमें क्या कर रहा था, इसमें आर्म्स लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है. जो बाकी एयरक्राफ्ट एयरलाइंस कंपनी थी, दे वर सपोज लीजिंग द प्लेन्स एट अ रेट ऑफ 1 crore पर मंथ एज ए लीज रेंट. मतलब जैसे अगर मैं बाहर से किसी से प्लेन्स लीज करता हूं, आई वाज पेइंग द 1 crore रुपीस पर मंथ. बट व्हाट किंगफिशर वाज डूइंग, किंगफिशर वाज पेइंग फॉर एग्जांपल 5 crore रुपीस पर मंथ फॉर दैट लीजिंग. तो नाउ एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर आपको वो चेक करना पड़ेगा इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है. व्हाट वाज द इंडस्ट्री प्रैक्टिस एट रेट एट व्हिच एयरप्लेन्स कुड बी लीज्ड and at what rate Kingfisher was leasing its airplane. तो उससे आपको पता लग जाएगा कि these transactions are not being undertaken at arm's length. Secondly, मैंने आपको बताया जो bird का, मैंने आपको बताया था ILNFS का, हमने कल डिस्कस करा था. HDIL का भी यही था सर. HDIL का भी मैं बताया था आपको. जो HDIL का स्कैम हुआ था उसमें क्या हुआ था, आउट ऑफ द टोटल एक्सपोजर ऑफ 9,000 crores ऑफ द बैंक, जो बैंक की पूरी बैलेंस शीट थी PMC बैंक की 9,000 crores की, उसके अंदर 73% ऑफ द टोटल एक्सपोजर वॉज टू कंपनी और रिलेटेड कंपनीज ऑफ दिस कंपनी. जैसे HDIL या उसके जितनी भी रिलेटेड कंपनीज थी, 73% ऑफ एक्सपोजर वॉज टू दोज कंपनीज. उसमें क्या कर रखा था, इन्होंने फिक्टिशियस अकाउंट्स खोले हुए थे सर. दे हैड ओपन फिक्टिशियस अकाउंट्स वेयर वॉज मनी वॉज बीन ट्रांसफर्ड एज अ लोन और वहां से पैसा सारा निकला हुआ था. सेकेंडली, ऑलरेडी ओवरड्यू अकाउंट्स को एडॉक लिमिट दे देके उन्होंने उसको विद इन एनपीए लिमिट रखा ताकि वो एनपीए ना क्लासिफाई हो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस. सो देयर वाज अ टू अ सिंगल बोरोअर अ टोटल एक्सपोजर जनरली एज पर आरबीआई गाइडलाइंस कैन नॉट एक्सीड 10 to 15%. बट इस पीएमसी बैंक के केस में टोटल एक्सपोजर टू HDIL एंड इट्स रिलेटेड कंपनीज और इंप्लॉइज के अकाउंट्स में और टोटल एक्सपोजर वॉज ऑफ 73% ऑफ द टोटल बैलेंस शीट साइज, विच वॉज अ ग्रॉस वायोलेशन ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस. सेकेंडली, फेक अकाउंट्स खोले हुए थे उन्होंने. फेक अकाउंट्स में लोन देके वहां से उन्होंने पैसा निकाला हुआ था. जो ऑलरेडी ओवरड्यू अकाउंट्स थे उनको ओवरड्यू अकाउंट्स को विद इन लिमिट लाने के लिए नई लिमिट्स दी हुई थी. दैट वाज एन एवरग्रीनिंग ऑफ अकाउंट. तो ये हमारा HDIL और पीएमसी बैंक का था. सो दिस इज अ जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग योर फॉरेंसिक ऑडिट. सर अब इनकी कोई क्वेरीज है तो आई कैन टेक द क्वेरीज रिगार्डिंग फॉरेंसिक ऑडिट इफ दे वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन ऑडिट. क्योंकि जनरल हम ये सब ऑडिट करते हैं सर. Members, if you all have any query, you can send it to me on the chat box or send it to everyone. I can read that out or I can even unmute you. So you can unmute yourself and ask the query. Anything works. The question is, generally some certifications from chartered accountant is generally furnished by investigating party. Now, when this is found negligent and what is the responsibility beyond their assignment, written obligation to report to the institute? नहीं सर, आप एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर सिंस यू आर बैंक इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यू ओनली हैव टू रिपोर्ट टू द बैंक्स. आपको इंस्टीट्यूट वगैरह में कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है. दैट इज द वर्क ऑफ बैंक्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज दैट दे विल बी अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और द एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट हैज सर्टिफाइड दैट थिंग. दे हैव टू फाइल कंप्लेंट बिफोर द इंस्टीट्यूट. इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल द कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनी ऑफ योर प्रोफेशनल्स इन द इंस्टीट्यूट. हु डिसाइड्स द फीस टू बी पेड बाय प्रोफेशनल फॉर सच ऑडिट? स्वाति जी, फीस इज अगेन इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेंडरिंग. नाउ अब आपके पास टेंडर आएगा, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर कॉस्ट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फीस दैट यू वांट टू गेट फॉर दैट वर्क. आपको उसके अंदर सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी. कल को आपको कोर्ट बुला सकता है, CBI बुला सकता है. देन द फीस इज टू बी डिसाइडेड बाय यू व्हाट इज अ रेलेवेंट फीस फॉर यू. लाइक अगर बिग फोर्स की बात करूं, देयर स्टाफ इज एक्सपेंसिव बिकॉज दे हायर एट 1 lakh rupees पर मंथ. अगर मैं अपनी बात करूं, आई हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट सपोज फॉर 50,000 पर मंथ, तो मेरी कॉस्टिंग उस हिसाब से कम होगी एज कम्पेयर टू बिग फोर. तो देन यू हैव टू डिसाइड. ट्रांजेक्शन ऑडिट बाय IBC प्रोफेशनल्स, पूर्णिमा जी पूछती हैं. मैम, जो इंसॉल्वेंसी में जो हमारा ऑडिट होता है उस केस में ट्रांजेक्शन ऑडिट होता है. जो जैसे आपको कोई भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा उस केस में वो ट्रांजेक्शन ऑडिट कराते हैं फ्रॉम द फॉरेंसिक ऑडिटर. तो IBC में ट्रांजेक्शन ऑडिट आता है. IBC कोड में से ट्रांजेक्शन ऑडिट आता है अंडर दीज 4 sections. Any other question, members can raise their hand. Sir, आपका present बाकी कुछ के हो गया सर? नहीं नहीं बस हो गया सर.
एक्चुअली क्या फॉरेंसिक ऑडिट में ना इतनी क्वेरीज आती नहीं है क्योंकि ये नया टॉपिक होता है ऑडियंस के लिए ना. सो अनलेस एंड अनटिल दे हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस सच थिंग्स वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है. सर आप राइस तक पहुंच गए, आपने राइस का बहुत एग्जांपल दिया, हम लोग अभी तक चपाती में है. नहीं नहीं काफी है सर, राइस है, काफी चीजें हैं. नहीं नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग अभी तक चपाती में खाने में अटके हुए. तो वी आर इनटू दिस रूटीन प्रैक्टिस. अनलेस एंड अंटिल यू मूव ऑन टू दिस स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक यू टोल्ड फ्रॉड वैल्यूएशंस आईबीसी, इट इज रियली वी आर सो मच बिजी विद जीएसटी साइड एंड इनकम टैक्स साइड. नहीं ये अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी रेम्यूनरेटिव फील्ड. अगर आप इसका फोरेंसिक ऑडिट का करेंगे या इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपका वैल्यूएशन हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दीज आर ऑल द अपकमिंग फील्ड्स व्हिच एवरीवन शुड गो टुवर्ड्स. क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसमें सर इतनी अब रेम्यूनरेटिव नहीं रही, एवरीवन नोज दैट. जो आपके क्लाइंट्स हैं, जैसे अगर आप नॉर्मल जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हु आर न्यू टू दिस फील्ड, दे शुड गो फॉर दिस न्यू एवेन्यूज ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑडिट्स. आईबीसी हो गया सर एक, वैल्यूएशन हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. सर इसमें ये लोग जो बोल रहे हैं, जो यंगस्टर्स है, बोल रहे हैं इंडिविजुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट, दे हैव टू जॉइन सम फर्म और समथिंग लाइक दैट, और दे हैव टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ 5 to 6 पार्टनर्स और 8. और द पर्पस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट यू नीड टू नेटवर्किंग, बट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, जैसे आई एम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो मेरे को जो भी वैल्यूएशन का काम मिलता है दैट इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस. सिमिलरली आईबीसी के लिए यू नीड टू हैव अ 10 इयर्स एक्सपीरियंस. आफ्टर यू हैव 10 इयर्स एक्सपीरियंस, दैट वर्क इज गिवन यू ऑन इंडिविजुअल बेसिस, उसके लिए आपको फर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अगर आपके 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, and for valuation you require 5 years experience. 10 year experience in service or practice? Sorry sir, 10 years of experience in practice. So practice something, I am talking about practice only. Practice mein main bata raha hu sir. Practice mein aapke sath ye sari fields hain. If you are an expert in valuation then you can approach big fours as well, kyunki unko bhi requirement hoti hai for the qualified people. If you want to go into job, to aapke paas agar forensic audit ki division, suppose main as a forensic auditor now, if you want to join a big four, I can easily join any big four in the forensic division because I have so much experience. Okay. So similarly, अगर आपको experience हो गया valuation का, if you have associated yourself, जैसे मेरे पास काफी employees CAs आते हैं, once they gain experience, they join BDO. जैसे मेरे अभी तीन chartered accountants, they have joined BDO and KPMG in forensic audit division. Reason being, they have gained so much exposure of forensic audit, so big fours have easily taken them because they have an exposure in that field. तो अगर आपको as a new chartered accountant, you can join a firm which is doing good in forensic audit. You can learn work for 2 years, 3 years. Then you can either set up your practice or you can go and join big fours, BDOs, GT. आप उसमें join कर सकते हैं. Rahul sir, there is a question in the chat box from Usha Kadam. She asking how to apply for transactional audit under IBC. Usha ji, generally क्या होता है, अब जो RPs होते हैं वो भी IBA की list से ही उठाते हैं नाम. Even though there is no guidelines for as such for that, but क्योंकि generally जो हमारे NCLT में cases जाते हैं उसमें banks ही हमारे financial creditors होते हैं, तो जितने भी banks हैं they prefer IBA listed firms. तो अगर आपको transaction audit लेना है, if it is for private company which does not involve banks, then you can directly approach the RP. But अगर कोई भी IBC का case है जिसके अंदर banks involved हैं, तो 99% cases में banks will only appoint IBA eligible firms. जो IBA में impaneled firms हैं उन्हीं में से लेते हैं. तो अगर आपका फाइनेंशियल क्राइटर नहीं है, कोई ऑपरेशनल क्राइटर लेके गया है, इन दैट केस आप अप्रोच कर सकते हैं आरपी को फॉर गेटिंग यू अपॉइंटेड एज अ ट्रांजैक्शन ऑडिटर. पर इसमें जैम जो सॉफ्ट जैम है गवर्नमेंट का, उस पे रजिस्टर करना जरूरी है, कंपलसरी है? नहीं नहीं नहीं, जैम नहीं, आई एम नॉट, जैम इज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स ओनली फॉर गुड्स. जैम में इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, दैट इज फॉर पीएसईज ओनली. वो उसमें वो सिर्फ जैसे किसी ने कंप्यूटर खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो इट इज फॉर दैट ओनली. Another question from Mr. Sunil. Valuation involves a lot of indemnity to bankers appointing you. As the realizable is dynamic, this responsibility is not corresponding to the limitations and the fee. Sunil ji, jo aap hamesha jo valuation report dete hain, it is always for a particular date. And you specifically write in your report that any changes, any government policy changes after the valuation date, it has not been considered by us. So, अगर आप कोई भी valuation करेंगे, it is always for a particular date. तो उसमें आपकी responsibility उस date तक ही है. उसके बाद नहीं होती. Like अगर government के policies change हो जाए या property की value गिर जाए, then it is not your responsibility. So, you are not responsible for that. Members, if anyone has any other questions, they can raise their hands or unmute themselves. If not, then Arif, you can go ahead with the vote of thanks.
members will be sharing you on this group what we discussed today in the morning regarding GST series as well as informal meeting. So any other questions you can ask Jindal sir. And Jindal sir was so kind enough to, on one phone call, he accepted my invitation to take two lectures simultaneously Saturday, Sunday, because it was almost 5 hours, 6 hours lectures combined. So thank you, Jindal sir. And thank you, sir. Arif, you can take it. Thank you, sir. I take this opportunity. Thanks. Today's speaker, Rahul sir, we are deeply thankful to you, sir, accepting our session and making this VCM success. You explain each and every point in detail. Very good example like PMC, HDIL. It was just amazing and full of energizing section. We are once again thank you for giving your valuable time and making this session success. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Rahul. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.